आप सभी की खुशियों के लिए प्रार्थना करता हूँ। डॉक्टर प्लीज अंडरस्टैंड, माय सेक्स इज मेल बट माय जेंडर इज फीमेल। ऐसी परिस्थिति में तुम्हें क्या करने को मन करता है मधुकुट्टी? सब कुछ, और मेरे नाम को लेकर भी। हर एक दिन, हर एक पल, जब मैं अपने बालों को देखता हूँ, जब भी मैं जेंट्स टॉयलेट जाता हूँ और आदमियों से बात करता हूँ, बहुत शर्मिंदा महसूस करता हूँ। तो अब अपने अंदर तुम किस तरह का बदलाव चाहते हो? देखा जाए तो दिल से मैं एक औरत हूँ, लेकिन शारीरिक तौर पर एक पुरुष। मुझे शरीर और आवाज से एक औरत देखना है। ओके, वी विल गेट बैक टू यू, प्लीज वेट आउटसाइड। थैंक यू। व्हाट डू यू थिंक सर? इट्स अ जेनेटिक केस, काउंसलिंग से यह केस ठीक होने वाला नहीं है। ही नीड्स सर्जरी फॉर सेक्स चेंज। Are you sure? Yes, डॉक्टर। मातुकुट्टी मर चुका है और आज से मैं हूं मेरी कुट्टी। गन्नी भाई को गांव में कितना टाइम हो गया है, वो कब आएंगे आपको पता है क्या? जब से सामान हमारे घर में रखा है तब से रोज झगड़ा होता है। मेरे भी घर में रखने के लिए बोला था पर मैंने तो मना कर दिया, उसका कोई भरोसा नहीं। इस मछली का क्या रेट है? 200 रुपए। गन्नी भाई के वापस आने तक उनका सारा सामान खराब कर देना, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है, मैं इस बार बहुत सुंदर बनाऊंगी, गन्नी अंकल को मैंने प्रॉमिस किया है। ये कौन सी मछली है माँ? बांगड़ा है, मेरी आंटी ने बताया नहीं कि ये मच्छी बहुत ही हेल्दी होती है। कुछ भी मत बोलो, ये मच्छी आपको पसंद है मुझे नहीं, मुझे तो नहीं खाना। इसे बनाते समय मेरी आंटी की एक्साइटमेंट देखी है? मुझे नहीं देखना। हर चीज के लिए ना बोलती है, जब से मेरी आई है तुम्हारा बर्ताव ही बदल गया है। ऐसा कुछ नहीं है माँ। सुनो, मछली ले ली है, बना दो जरा। जस्ट 2 मिनट्स, बस थोड़ा सा काम है, निपटा के आती हूँ, प्लीज। टैबलेट तो खत्म हो गई, तुमने खाई नहीं क्या? नहीं, सिंथेटिक से ज्यादा कॉजिकेटेड ही मेरी बॉडी के लिए सूट होती है, डॉक्टर थॉमस ने ऐसा कहा है। ओह, प्रीमेरियन 620 बेस्ट है, लेकिन वो यहाँ नहीं मिलता है। चेन्नई में मिलता है क्या? वीकेंड में मधु को लाने के लिए कहती हूँ। कुछ भी हो दवाई लेना मत भूलना, क्योंकि ये दवाई खाने के बाद ही तुम्हारा फिगर और कमाल का दिखेगा। चलो जल्दी आ जाओ, तुम सलाद नहीं बनाओगे तो तनु नहीं खाएगी। तनु क्या कर रही है, जल्दी से आ। जॉन, तुम्हारी तरह ही मातु कुट्टी भी इसी जगह पर जन्म लेकर बड़ा हुआ है। आजकल वो मैरी कुट्टी बन चुका है, इस बात को मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता। उसका बाप फिलिप, जो हर संडे चर्च आता था, अपने बेटे के बदले रूप की वजह से चर्च में अब तक नहीं आया है। उसकी माँ और बहन भी उसे ऐसे देखकर बहुत दुखी रहती हैं। जब उसके अपनों ने घर से निकाल दिया तो उस पर रहम क्यों? जिसका कोई नहीं होता उसको सहारा देना ईश्वर का पहला कर्तव्य है। इतना ही नहीं, मैरी कुट्टी जैसी लड़की को हमारे संगठन ने अपना लिया, सभी ने उसको स्वीकार कर लिया, तो फिर आप लोगों को परेशानी क्यों है? अरे फादर, आप समझते क्यों नहीं है, ऐसे तो हमारे बच्चे भी बिगड़ जाएंगे। उसने किसी के सामने किसी तरह की कोई बदतमीजी तो की नहीं है, तो बेवजह की बातों में मत उलझाओ। MCA तक की पढ़ाई की है मैरी कुट्टी ने, चेन्नई में विप्रो कंपनी में अच्छा जॉब था, वो रिजाइन करके यहाँ आई है। बस सब दिखावा है। मेरी कुट्टी को अगले महीने चर्च के कोयर में पढ़ाई करने का डिसीजन हम ले चुके हैं। हम कौन? अरे हम मतलब मैं और फादर। वैसे मातु कुट्टी यहाँ के कोयर में गाना भी गा चुका है, तो अब मेरी कुट्टी को भी गाने दो, है ना फादर? तुम FM तक जाने की बात कर रहे हो ना, वैसे न्यूज बुलेटिन का समय हो गया है। न्यूज बुलेटिन शुरू करनी है तो आपको वहाँ आकर भाषण देना होगा, तो चलिए। मेरी दुकान के एड का क्या हुआ? अरे रेडी हो गया ना, इस हफ्ते में एक वॉइस टेस्ट लेना बाकी है, वो होते ही काम कंप्लीट। पहले ये प्रॉब्लम तो सॉल्व होने दो, मेरी कुट्टी के मामले में हमें कोई फैसला लेना ही होगा। मेरी कुट्टी इस चर्च में आकर प्रार्थना करेगी,
उसको इस गांव में किसी भी चीज की जरूरत होगी तो उसकी मदद मैं करूंगा, यही मेरा फैसला है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मेरे कोटे, कल रात की न्यूज सुनी तुमने? क्या बात है? अरे व्हाट्सएप पे मैसेज किया था ना, मैं चीप गेस्ट बन के जा रहा हूँ। मैंने ध्यान नहीं दिया। कल रात को मैंने 10-12 लोगों को गाइड किया था वन ट्रांस इन द राइट्स। यूट्यूब पे आ जाएगा, मैं लिंक भेजूंगा। मुझे तुम्हारे बारे में भी बयान देना है। आई एम नॉट अ ट्रांसजेंडर, आई एम ट्रांससेक्सुअल, इफ यू वांट टू कॉल मी दैट। इनमें क्या अंतर है इसके बारे में तुम्हें पता है क्या? पता है। क्या है? ट्रांस। इसी कारण मैं ऐसे प्रोग्राम नहीं देखती, नॉनसेंस। अरे उसमें क्या अंतर है? अब अरे मेरी कुट्टी रुको, तो समझाओ तो मुझे। सोसाइटी को तुम्हारा नजरिया पता चलना चाहिए, तुम्हारा हक मिलना चाहिए, क्योंकि सर्जरी की वजह से चेन्नई के इतने अच्छे जॉब को तुम्हें रिजाइन करना पड़ा। इस वजह से रिजाइन नहीं किया था। तो फिर? मेरी एम्बिशन के बीच एक रुकावट थी, सर्जरी होने तक बेवजह वहाँ पर रुकना। वैसे तुम्हारा एम्बिशन क्या है? अच्छा पुलिस में जाना चाहते हो, तभी तो मेरी कुट्टी तुमने अपने बाल नहीं बढ़ाए है ना? ये बाल तो बढ़ जाएंगे, सर्जरी को कुछ ही महीने हुए। हाँ वो तो है, बाल बढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा। जब तुम्हारे बाल बड़े हो जाएंगे तो बड़े सेक्सी लगोगे मेरी कुट्टी। वकील, कुछ दिनों से मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती थी। वो क्या मेरी कुट्टी? क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? सच में? मुझसे शादी करोगे? वो क्या है कि मैं बच्चा नहीं पैदा कर सकती, लेकिन सेक्सुअली सेटिस्फाई कर सकती हूँ। बस मेरे लिए इतना काफी है। तुम्हारी फालतू बातों के लिए मेरे पास समय नहीं है। दो बार ऐसी बातें मेरे सामने मत करना। नहीं 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 करूँगा। ठीक, थैंक यू, गुड डे। गुड डे। वैसे मैंने दिल की बात बता दी। अरे थोड़ा हम पे भी ध्यान दे दो वकील साहब। तुम अपने काम से काम रखो। ओके, यहाँ टाइम बर्बाद करना ठीक नहीं है। जो एग्जाम तुम लोग दे रहे हो, ये केरला पुलिस में एसआई बनने के लिए पहले चरण का मॉक टेस्ट है। अगले महीने होने वाले रिटर्न टेस्ट में अगर तुम लोग पास हो गए तो फिर तुम्हें एक और टेस्ट देना पड़ेगा। फिर उसके बाद एक और टेस्ट होगा। रिटर्न टेस्ट हो जाने के बाद इंटरव्यू, पुलिस वेरिफिकेशन और शारीरिक तौर पर फिट रहने के साथ साथ तुम सब लोगों को पढ़ाई के मामले में भी नॉलेज रखनी होगी, तभी तुम लोग पुलिस डिपार्टमेंट की सम्मानित पोस्ट को प्राप्त कर सकते हो। मेरी कुट्टी। हे कुमार, आखिर तुम्हारी परेशानी क्या है? कुछ नहीं सर। बहाना मत बनाओ, बताओ तुम पुलिस डिपार्टमेंट क्यों ज्वाइन करना चाहते हो? कोई सजा झेलनी ना पड़े इसलिए सर। टाइम अप, मैंने कहा ना टाइम अप। टाइम की पंचुअलिटी एंड डिग्निटी बहुत मायने रखती है पुलिस वालों के लिए। उसके बाद तरक्की पाने के लिए बहुत सारी सुविधाएं मिलती है इस डिपार्टमेंट में। जल्द से जल्द एसआई से सीआई बनने का प्रमोशन मिलेगा, बाद में डीएसपी, एसपी, इस तरह उड़ते उड़ते आसमान में उड़ोगे। लेकिन ज्यादातर पुलिस स्टेशन में प्रॉपर फीमेल टॉयलेट तक नहीं है सर। ओ, तो तुम फेमिनिस्ट हो क्या? नो सर, आई एम ए ह्यूमनिस्ट। मेरी कुट्टी के लिए तो पूरे शहर में टॉयलेट नहीं मिलेगा सर। यू शट अप। मेरी कुट्टी, पहले पुलिस फोर्स में आओ तभी कुछ कर पाओगे। अगर हमें किसी कमी को मिटाना है तो हमें उसके अंदर रहकर मिटाना होगा, सही कहा ना? मेरी कुट्टी, मुझे तुम पर बहुत भरोसा है, इस ब्रिलियंट मास्टर को निराश मत करना। ओके, आई विल ट्राई माय बेस्ट सर। थैंक यू। ओह, अभी तक तुम लिख ही रहे हो, दो मुझे। हाँ रेडी। मुझे चाहने और मुझे प्यार करने वालों का मिशन FM वार्ता प्रभात में स्वागत है। आज की मुख्य खबरों में, कहिए। फादर ने मुझे आने को कहा था वॉइस टेस्ट के लिए। ओह, फादर ने बुलाया था। लगता है फादर बहुत जल्द FM स्टूडियो में ताला लगवाने वाले हैं। ये बात फादर से कहनी चाहिए। मैं अंदर जा सकते हैं? चाहिए। एक युवक ने एक बूढ़े को धक्का देकर कुएं में गिराया है, जबकि ये घटना एक शॉर्ट फिल्म बनाने के लिए हुई, जबकि इस खबर को लोग बाग झूठी खबर बता रहे हैं। अब खबरों के विश्लेषण के लिए आओ, हम थोड़ी देर में आएंगे। गुड मॉर्निंग फादर। गुड मॉर्निंग। वैसे तुमने जिंगल की लाइंस पढ़ी कि नहीं? हाँ पढ़ी फादर। हाँ, लेकिन पता नहीं उसके लिए मेरी वॉइस मैच होगी या नहीं। हार्मोन ट्रीटमेंट से शरीर में बदलाव आते हैं, तो शायद वॉइस में भी आएगा। अरे यही तो हमें चाहिए होता है। मेरा मतलब पुरुष के गले से स्त्री के शब्द, मेरे लिए ओके, परफेक्ट। लिरिक्स बढ़िया है फादर। तुम्हारा मतलब मेरा म्यूजिक खराब रहता है क्या? ए, वो भी अच्छा रहता है। लेकिन उस पर मेरी आवाज ठीक रहेगी। वो हो जाएगा। लेकिन जॉन मेरी वॉइस को पसंद करेंगे?
इस जिंगल को तुमने गाया है ये बात अभी हमारे बीच में ही रहनी चाहिए। उसकी चिंता तुम मत करो, मैं थोड़ा मसाला डाल दूंगा, सब ठीक हो जाएगा। वैसे मेरी कुट्टी तुम जब गाओगी ना तो दिल से गाना। मसाला वगैरह हम बाद में डालेंगे, पहले तुम चाय लेकर आओ। इस तरह अपना टाइम खराब करने से अच्छा अब तक अपने सेमिनार का काम खत्म कर दिया होता। अगर तुम्हें फादर बनना है तो बहुत से बड़ों की अनुमति लेनी होगी। अपनी हरकतों को कंट्रोल में रखो और जो ट्रैक तुमने बनाया वो गा के सुनाओ। अब कुल मिलाकर मुझे क्या करना चाहिए? पहले जाकर चाय लेकर आओ, उसके बाद ट्रैक गाकर सुनाओ, उसके बाद तुम्हें जो करना है वो करो। आपको चाय चाहिए ना? हाँ चाहिए। शांति से कोई काम करने ही नहीं देते। तुम जरा गाने की प्रैक्टिस करो, हमें इस न्यूज बुलेटिन को बहुत ऊपर लेके जाना है। मेरी गुट्टी, इतनी जल्दी क्यों आ गई? ये लो जो जिंगल गाया था उसका पैसा। अरे इसकी क्या जरूरत थी? नहीं, फादर ने देने को कहा था। थैंक यू। जब लोग ये जिंगल सुनेंगे तो लोगों को मेरे काम का भी अंदाजा हो जाएगा ना। सब ठीक हो जाएगा एल्विन, एक दिन ऐसा आएगा जब पूरी दुनिया तुम्हारे म्यूजिक सुनेगी। चलो देखते हैं। पूरी दुनिया सुने ना सुने फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपना स्टेट सुने यही काफी है। वो दिन जरूर आएगा। अरे मेरी गुट्टी, क्या चल रहा है यहाँ? वैसे इन कपड़ों में काफी सुंदर लग रही है ना। मैं ये सब काम यहाँ नहीं करने दूंगा, समझी ना। यहाँ पैसों का लेन देन चल रहा है क्या? इसने एफएम में गाना गाया था तो उसके पैसे ही से देने आया था। गाना तो अब गाना कोड वर्ड है। गाना सुनो मेरी कुटी, बस अभी जाओ। अरे सुनाओ ना गाना। उसने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है जो उसे छेड़ रहे हो? उसकी जिंदगी उसको जीने दो ना। हम लोग बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, ये हमारे हाथों से नहीं बच सकती है। हम इसकी ऐसी की तैसी करके रहेंगे। ठीक है, ट्राई करके देख लो। वो ना आग से पैदा हुई है, इसलिए तुम्हारी छेड़खानी से तो वो परेशान नहीं होगी। ए चल यहां से निकल। यहां से अब इन आवारा कुत्तों को कोई काम धंधा नहीं है। चेन्नई के हॉस्पिटल में अपना लिंग बदलवा कर अब आप एक लड़की के रूप में हैं। बट एज ए गवर्नमेंट सर्जन इस तरह का सर्टिफिकेट मैं दे पाऊंगा? ये तो ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर का काम है। सर ये सर्टिफिकेट है, लेकिन आधार कार्ड और पासपोर्ट में जेंडर चेंज दिखाना है तो इसके लिए एक गवर्नमेंट सर्जन के सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। इट इज स्ट्रिक्टली लीगल सर। लीगल है ये तो सिर्फ आप कह रहे हैं ना। सर मैं PSC टेस्ट के लिए प्रिपेयरिंग कर रही हूँ, इसलिए मुझे इसकी जरूरत है, प्लीज हेल्प मी। ट्रांसजेंडर के नाम पर मुझसे सर्टिफिकेट लेकर बाद में आप उसे मिसयूज नहीं करेंगी और न ही इसकी मदद से कोई गलत काम करेंगी, इसकी गारंटी दे सकती हैं? सर चेन्नई की कॉर्पोरेट कंपनी में जितना मैंने कमाया है उसकी तुलना में ये कुछ भी नहीं है, तो सर्टिफिकेट से क्या फायदा लूंगी? वैसे भी मुझे इसकी जरूरत नहीं है, ये तो मैं जिंदगी जीने के लिए कर रही हूँ सर। ओके जो भी हो मैं DM से कंसल्ट कर लेता हूँ, आप यहाँ नेक्स्ट वीक आ जाइए। मोर नाच रहा था, चलो लिखो। मोर मेल था या फीमेल? चुप, एक मारूंगी खींच के। सुन तेरा जिंगल धूम मचा रहा है, रेडियो पर सुना मैंने, कभी संगीतकार कभी पुलिस वाली और क्या क्या। ऐसा ही रहा तो एक दिन बहुत आगे जाओगी। ये भी एक दिन बहुत आगे निकल जाएगी,
किसी सब्जेक्ट में पास नहीं होगी। उसकी फिक्र तू मत कर, वैसे भी पास करके क्या कर लेगी। आप ऐसे क्यों बोल रही हैं माँ, मैं बिल्कुल आपकी तरह ही काम करूंगी। इस फोन के साथ क्या कर रही है? मैंने कितनी बार कहा है मेरे फोन के साथ खेला मत कर। माँ मैंने आपका व्हाट्सएप खोल के नहीं देखा है। व्हाट्सएप में ऐसा क्या सीक्रेट है? और तू क्यों हंस रही है? देखो माँ, आप मुझे बोलने पे मजबूर मत करो। अच्छा बोल तो क्या कहना चाहती है, जरा मैं भी सुनूं क्या बोलना चाहती है। कितनी बार कहा है अपने पापा की तरह बिहेव मत किया कर, समझता नहीं है तुझे। माँ का फोन है, मैं अभी आती हूँ। ला मुझे तो आज तुझे मैं पढ़ाती हूँ। वैसे माँ स्त्रीलिंग और पुरुलिंग में क्या फर्क होता है? हाँ बोलो माँ, आज क्या खास बात है? बेटा तो कैसा है, ठीक तो है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ, आप मेरा टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। बहुत दिनों बाद तेरी आवाज सुनी, एक दिन आओ ना मिलने। तुझे देखने का मन कर रहा है, मैं तुझसे मिलना चाहती हूँ। आती हूँ। तू पिताजी से मिला था क्या? क्यों, उन्होंने कुछ कहा क्या? हमारे बीच तेरे बारे में बात होती ही नहीं है, बता ना तू उनसे मिला था क्या? एनी कहाँ है माँ? वो पढ़ रही है, उसका एग्जाम होने वाला है। एक दिन मैं वहां आती हूँ माँ। वो जिस दिन घर में ना हो उस दिन आना। रेडियो में फादर का प्रोग्राम आ रहा है, फोन बंद करो और सुनने के लिए आ जाओ। ठीक है, अभी रखती हूँ फोन। मल्टीप्लिकेशन है ना, हर किसी को टफ लगता है। इसका एक इजी वे है, मैं सिखाती हूँ, ध्यान देना। देखो ये है फर्स्ट डिजिट टारगेट, ओके। 1 into 3 कितना हुआ? 1 into 3 वेरी गुड। तो इस 3 को फर्स्ट डिजिट पर रखते हैं। आजकल ना मुझे बहुत डर सताने लगा है कि कहीं मेरा म्यूजिक खत्म ना हो जाए। हर दिन गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग कहते कहते यहीं पर खत्म ना हो जाऊं। अरे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, लाइफ में म्यूजिक का होना तो किस्मत की बात है। अरे पॉजिटिव सोचना तो इसकी आदत में शुमार ही नहीं है, ये अपने आप को यीशुदास समझता है। यीशुदास नहीं, AR रहमान। ओह हाँ, वैसे चेहरा तो काफी मिलता जुलता है। गांव वालों का ये कहना है कि मेरा चेहरा आपके चेहरे से मिलता जुलता है। मैं आपका बेटा हूँ या भाई हूँ लोग ये सोचकर कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं थोड़ी दाढ़ी भी रख लेता हूँ। अरे इस तरह से मत बोलो वरना गांव वाले मुझ पर ही शक करेंगे। क्या तुमने ऐसी बातें पहले सुनी मेरी? मैं गांव वालों की बातों की परवाह नहीं करता फादर। वेरी गुड, वो सब छोड़ो। वैसे हमारे बच्चों की पढ़ाई में पहले से इम्प्रूवमेंट है कि नहीं? यहाँ के स्कूल टीचर्स के पास शिकायत के अलावा और कुछ है ही नहीं। कमी हमारे बच्चों में नहीं है फादर, यहाँ के टीचर्स में है। जिस सब्जेक्ट में बच्चे इंटरेस्ट ले उससे पहले टीचर्स को लेना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही कही। हाँ वैसे अभी तुम कहाँ जा रही हो? मुझे लाइब्रेरी तक जाना है। तो मेरे साथ चलो ना, मैं ड्रॉप कर देता हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं फिल्म देखने जा रहा हूँ। कौन सी फिल्म देखने? इंग्लिश फिल्म। उस फिल्म का कोई नाम है कि नहीं? नाम नहीं बताऊंगा। हाँ। जब देखो डिटेल में घुसते हैं। अरे मेरी कुटी चलो। हाँ चलती हूँ फादर। हाँ सुनो, ये आजकल बहुत आगे बढ़ रहा है, जब इसकी बाइक पे बैठो ना तो थोड़ा संभल के रहना। अंदर से मैं एक पुलिस वाली हूँ। ऑटो ट्यून लगाकर वॉइस को थोड़ा चेंज कर सकते हैं ना? मतलब? मैंने जिंगल सुना ना इसलिए पूछा। अरे नहीं नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैसे दवाइयाँ कितने दिन लेनी होंगी फीमेल की तरह तुम्हारी आवाज बनने के लिए? अरे इसमें तो सालों लग जाएंगे। ये वाला है सर। अच्छा ये? हाँ जी। इंश्योरेंस का है? रुको रुको, इधर साइड में लगाओ, गाड़ी के पेपर्स दिखाओ। हाँ है ना सर। और आरसी बुक का है? चलो निकालो। अच्छा ये देखिए देना। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, इसे जाकर सर को दिखाओ। लेकिन सर जाओ जाओ ना। साहब मेरे पास सिर्फ 500 रुपए हैं और वो भी बच्ची की फीस के लिए है। अपनी गाड़ी भी सीज करवाना चाहते हो? नहीं सर प्लीज सर। पकड़ो सर, अगर आप सर अब जाओ। सर सर गाड़ी का नंबर प्लेट सही नहीं है। इसका कुछ भी सही नहीं है, ये लो पकड़ो। तुम क्या देख रहे हो, काम करो। ये बाल का नया स्टाइल है क्या? बाल कटवा के क्या होगा सर, इसलिए स्टाइल के लिए छोड़ दिया बस। स्टाइल के लिए 500 रुपये भरो और निकलो। बाल ना कटवाने का 500 फाइन? तुम्हारा नंबर प्लेट सही नहीं है इसीलिए सीधे सीधे पैसे भरो और निकलो। तुम्हारा घर कहाँ है? चल, गाड़ी साइड। मैं मिशन एफएम में आरजे हूँ सर, आरजे एल्विन हेनरी। तो तुम हो एल्विन, फिर तो 1000 रुपये निकालो। गाँव वालों के साथ जो धोखाधड़ी कर रहे हो उसका जुर्माना। सर सच में मेरे पास उतने पैसे नहीं है, मैंने प्रीस्ट बनने की पढ़ाई की है, पढ़ाई करते करते मेरा मन म्यूजिक में लग गया तो मैंने पढ़ाई रोक दी। चर्च के बगल में मुझे म्यूजिक का काम मिला था, वो मैंने किया लेकिन सैलरी बहुत ही कम थी सर। आपसे झूठ बोल के क्या फायदा सर? मैंने तुम्हारी लाइफ हिस्ट्री पूछी है क्या? हैं? सर मैं बस अपने प्रॉब्लम्स बता रहा हूँ और कुछ नहीं। मैं इतनी दूर काम करने आया हूँ तुम्हारी प्रॉब्लम सुनने के लिए? चलो निकालो। सर सर सच में मोबाइल इधर रखो। लेकिन सर सुनिए, जेब चेक करो जरा। सर चेक करो, पैसे दे दो और निकलो। सुनिए तो सर, ये मेरा रुमाल है, सच में 1000 रुपया नहीं है सर। पैसे तो देने पड़ेंगे। रुको पैसे दो उधर,
हजार नहीं है तो 500 ही दे दो। सर मुझे पेट्रोल के लिए कुछ पैसे चाहिए। पक्का झूठ बोल रहा है सर। पॉकेट चेक करो। लेकिन इसमें जरूर है। सर वो तो रुमाल है, बोला था ना सर, प्लीज क्या कर रहे हो सर? ऐसे छुपा कर कहाँ रखे हो? जरा अच्छे से चेक करो। पुलिस स्टेशन जाओगे तो डबल भरना पड़ेगा, समझ गए? तुम वीडियो बना रही हो? हाँ चलो इधर आओ, मेरी बात सुनाई नहीं दे रही है क्या? इधर आओ, अरे जल्दी आओ। ये तो वो है ना, मस्त लग रही है, स्पॉन्ज लगा रखा है। आजकल ऐसे लोगों की तादाद बहुत बढ़ गई है, रात होते ही धंधा शुरू, ये तो दिन में ही कर रही है। ये लैंग्वेज सर, इंग्लिश झाड़ रही है, रेट बढ़िया मिलता होगा क्यों? सर ये लीजिए 500 रुपए। अब ये पैसा कहाँ से आया हा? इसको देने के लिए रखा था क्या? कहीं लेकर जा रहा है इसको? सर ये मेरी दीदी जैसी है। दीदी है और वो भी ये, इसके साथ चलने में तुझे शर्म नहीं आती है क्या? पहले तो बहुत शर्म आती थी सर, लेकिन जब से इसके दिल को समझाया तब से कुछ नहीं लगता। इतनी दूर तक किसे समझा लिया हा? मुझे नहीं लगता ये सच बोल रहा है सर। हमने कोई गलत काम नहीं किया है और हमारा नंबर प्लेट फॉर्मेट वैलिड है। ये किसने कह दिया? मैंने। सर ये नियम कानून आप कहाँ से सीख कराए? ऊपर से आपकी जीप की नंबर प्लेट भी टूटी हुई है और आप सिविल ड्रेस में है सर, क्या इससे डिपार्टमेंट के रूल्स नहीं टूट रहे? ये तो हमें यहाँ पर कानून सिखा रही है। इसका मोबाइल चेक करना होगा। फेसबुक में डालने वाली हो तो फिर किस लिए? गलती को दिखाने और सुधारने के लिए। तो तू हमें सुधारने वाली है, हमें सुधर जाना चाहिए ना आपका? हाँ सही कहा आपने। दोनों को उठाकर जीप में डालो, ये हमें कानून का पाठ पढ़ाएंगे और फिर हम इन्हें सिखाएंगे कानून। चलो चलो बैठो। सर लेकिन पैसे तो दे दिए ना सर। सर मैं फादर को फोन कर लूँ? तेरा फादर यहाँ आकर क्या करेगा? फोन इधर टेबल पर रख। चलो रखो। अब सुनो अपने ऑफेंस, डिसोबीडियंस ऑफ ऑर्डर, रिफ्यूजल ऑफ इंफॉर्मेशन, सेक्शन 179(1) एंड 179(2), फाइन 1000 रुपये। सर लेकिन डरो मत, ये कुछ भी नहीं है। सेक्शन 198(2), ड्राइविंग व्हीकल इन अनसेफ कंडीशन, वायलेटिंग द स्टैंडर्ड्स ऑफ रोड सेफ्टी, फाइन 1000 रुपये। लेकिन सर उसके बाद 83, 84, 89, 177 सारे सेक्शन 8,500 रुपये। लाकर भरो और गाड़ी लेकर जाओ। सॉरी सर सॉरी। इसे कहते हैं कानून, समझ में आया? कानून का आप इस तरह से मिस इंटरप्रिटेशन करेंगे ये मैंने नहीं सोचा था। तुम अपने आप को वकील समझती हो? ये वकील कुछ भी बोलता है। मैं एसआई सिलेक्शन के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ सर। एसआई पुलिस? सुना तुमने? अब हमारे डिपार्टमेंट का क्या होगा सर? तुम्हारे जैसी चीज को पुलिस फोर्स में नहीं लिया जाता। आजकल जैसा टॉर्चर हम पुलिस वालों से सह रहे हैं इसका कारण पता है? आप जैसे लोग, जब इस डिपार्टमेंट में मेरे जैसी कोई आएगी तो ये सब नहीं होगा। आई वॉन्ट टू सेट एन एग्जाम्पल। सर तुम्हारा एक वीडियो मेरे पास आया है, क्यों करते हो इस तरह का काम तुम? तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन आई है। क्या कंप्लेन है? कोई गांव का आदमी वीडियो रिकॉर्डिंग करके कंट्रोल रूम के व्हाट्सएप नंबर पे भेज दिया है। तुम सिविल ड्रेस में ड्यूटी करोगे क्या? और जीप की नंबर प्लेट भी टूटी हुई है। मामला अब डीजीपी तक पहुंच गया है। तुमने पी हुई थी क्या? नहीं नहीं सर, मैंने पी नहीं थी सर। तुम्हारे खिलाफ बहुत सारे कंप्लेंट्स आ चुके हैं, सस्पेंशन लो और कहानी खत्म करो। जिसने कंप्लेन किया उसका नंबर तुम्हें भेजा है, उससे बात करो, उसके पैर पकड़कर उससे माफी मांगो और केस से पीछा छुड़ाओ। मैं बात करता हूँ सर, वो यहीं पर है। वो वीडियो कहीं और लीक ना हो जाए, देखिएगा सर। सॉरी सर। क्या हुआ सर? कुछ भी नहीं, बैठो तुम लोग। नहीं ठीक है सर, तुम बैठो। इस बार तो तुम लोग जाओ, फाइन नहीं भरना है, पर ऐसा दोबारा मत करना, सुन लिया ना? डिलीट के बाद भी रिकवर हो सकता है, क्लाउड बैकअप वाला फोन है ये,
अभी तक मैंने पब्लिक प्लेटफॉर्म पर अपलोड नहीं किया है। पर यह मैं समझना कि आपके डर से नहीं किया है, अगर अपलोड कर दिया तो पूरी जनता के सामने हमारा इंटीरियर डिपार्टमेंट बुरी तरह से बदनाम हो जाएगा। बहुत जल्द मैं भी पुलिस वाली बनने वाली हूँ, तो डिपार्टमेंट की बदनामी नहीं चाहती। कुछ भी हो, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, ये मेरे लिए काफी है। एनीवे, थैंक यू सो मच सर, नाइस मीटिंग यू। कैन आई हैव माय फोन? थैंक यू। चलो सर, मेरा भी तो आपके पास है, मेरा फोन। थैंक यू सर। लेकिन मेरी कुट्टी, तुम्हारे एप्लीकेशन को पीएससी में क्यों रिजेक्ट किया गया, मेरी समझ में यह बात नहीं आ रही है। कहीं एप्लीकेशन डिटेल्स मिसमैच तो नहीं हो गया है? पीएससी हेड ऑफिस पर मैंने आज सुबह फोन किया था, वो कह रहे थे उनको भी कुछ नहीं मालूम, सोच रही हूँ खुद जाकर उनसे मिलूं। ऐसे मिलने से कोई फायदा नहीं होगा मेरी कुट्टी, पहले भी इस तरह के कई केस हो चुके हैं, आजकल सारी प्रक्रिया कंप्यूटराइज हो गई है ना। शायद पीएससी ऑफिस से एप्लीकेशन गलती से आ गया होगा, फिर भी मेरी कुट्टी तुम्हें कोर्ट में जाकर क्लियरेंस लेना ही पड़ेगा। इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा ना। हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पीएससी ऑफिस जाकर अपना समय बर्बाद मत करो, तुरंत एक वकील को पकड़ना ही सही होगा। वैसे भी रिटर्न टेस्ट देने के लिए अभी एक महीना बचा है, और जितना हो सकेगा मैं मदद करने की कोशिश करूंगा। आप क्या करेंगे? तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा, इस ब्रिलियंट मास्टर की प्रार्थना से तुम और भी फेमस हो जाओगी मेरी कुट्टी। पहली बार एक ट्रांसजेंडर एक एसआई बनने वाली है, मुश्किल तो होगी। वैसे इस ऑफिशियल रिकॉर्ड में, जैसे कि पासपोर्ट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, इन सब में मेरी कुट्टी का नाम मातु कुट्टी है, दैट मींस मेल। लेकिन पीएससी एप्लीकेशन में तुम फीमेल हो, पीएससी इस जानकारी को गलत जानकारी मानेगा। मान लो पीएससी की तरफ से इस मामले को लेकर एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है, तो कोर्ट में जाने से हम केस जीत जाएंगे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, अभी तक फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं हुई है। वैसे गैजेट का नोटिफिकेशन जल्दी मिलने का कोई रास्ता है? पता है ना, कंसेंट ऑफिसर एक सप्ताह की छुट्टी पर है। यही इस ब्यूरो की परेशानी है। कोई ना कोई तो रास्ता होगा ना, हम ढूंढ लेंगे। एनीवे, थैंक यू सो मच। तुम्हें थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है, वैसे मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, कितने सॉफ्ट हाथ है। कैसे वकील हो यार, ब्यूटी देखी पिघल गए। ब्यूटी का सवाल नहीं है, चुंबकीय आकर्षण है, चिपक के खड़े होने का मन करता है, यही तो उसकी सबसे बड़ी खासियत है। वैसे जितनी खासियत देख ली उतनी काफी है। ये तुम बोल रहे हो? हाँ। ठीक है तो चलो स्टूडियो में चलते हैं, कार्यक्रम शुरू करते हैं। तुम दोनों क्लासमेट हो क्या? हाँ मैडम, हम लोग सेकंड तक साथ में पढ़े हैं। इसकी बचपन से ही ख्वाहिश थी कि ये पुलिस डिपार्टमेंट में ज्वाइन करे, अगर ये साल निकल गया तो मेहनत बेकार हो जाएगी। आप करती क्या हैं? मैं एक छोटी सी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी चलाती हूँ मैडम। एप्लीकेशन दिए हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है, मिनिमम 3 मंथ्स यही टाइम पीरियड है। गजट में नोटिफिकेशन आना ये सब डीओ ऑफिस के ऊपर है, अगर उसमें किसी तरह का कन्फ्यूजन हुआ तो थोड़ा लेट भी होता है। मैडम अगर ये गजट नोटिफिकेशन अभी नहीं मिला और बाद में मिला तो मुझे कोई फायदा नहीं होगा, एंड इट्स योर ड्यूटी टू डू दैट। अगर मुझे डराने और धमकाने का तुम्हारा इरादा है तो आई कैन मेक श्योर दैट यू विल नेवर गेट इट। मैडम मैं भी आपकी तरह एक औरत हूँ, बस मैं बच्चे नहीं पैदा कर सकती, यही डिफरेंस है मुझ में और आप में। ओह, तो ये बात छोड़कर बाकी सब में तुम परफेक्ट हो। मैडम मैडम प्लीज इसकी तकलीफ समझो। कैसी तकलीफ? मैं एक पुरुष नहीं हूँ, इस बात से फ्रस्ट्रेटेड हूँ मैं, और इनको देखो। क्योंकि आप औरत की अहमियत को नहीं जानती हैं। मैडम सॉरी, मैरी रुको, मैरी मैरी तुम जरा रुको, मैरी हमें जरूरत है, इस वक्त शांति से काम लेना होगा तुम्हें, चलो एक बार मिलकर उन्हें रिक्वेस्ट करते हैं। अब रिक्वेस्ट से कोई फायदा नहीं, वो नहीं देने वाली, उसका एटीट्यूड देखा, वो मिले ना मिले, आधार कार्ड अपडेट होने में एक महीना लगेगा ना,
और तब तक तो सिलेक्शन की डेट निकल जाएगी। तुम टेंशन मत लो, हम कुछ सोच लेंगे। हाँ हम सोचेंगे, बस यही काम करेंगे हम। मेरे सपने तो मिट्टी में मिल गए। ऐसा कुछ नहीं है। ये पकड़ो जरा, मैं वॉशरूम होकर आती हूँ। पता है फिल्म डायरेक्टर बनने के लिए मैंने पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट जाके पढ़ाई की थी, लेकिन मैं क्या बन गया? जो हम चाहते हैं अगर वो आसानी से मिल जाएगा तो लाइफ में थ्रिल कहाँ रहेगी? दुख के खिलाफ जंग लड़ना ही स्पिरिट होता है। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना क्या था फादर, पता है? यही कि मेरे माँ बाप एक दिन मुझ पर फख्र महसूस करें। पुलिस यूनिफॉर्म पहनकर जब उनके सामने जाऊंगी तो उनको मुझ पर गर्व होगा, लेकिन अब ये नहीं होगा। तो क्या तुम्हारे अंदर दूसरा काम करने की काबिलियत बिल्कुल भी नहीं है? हम जैसे लोगों को ये यूनिफॉर्म ही रिस्पेक्ट दिला सकती है, और कोई नहीं दिलवा सकता। उसके लिए अब हमें क्या करना होगा मैरी कुट्टी? हम कुछ नहीं कर सकते। आगे क्या करना यही पूछने के लिए इस चौखट पर आई हूं। भगवान ने भी कुछ सोचा होगा, है ना? फादर आजकल आप जिम नहीं जा रहे हैं क्या? अगर तुम्हें तकलीफ है तो फिर से जाना शुरू कर दूं? बोलो। अच्छा, इस गांव के लोग दूसरों की फिक्र बहुत करते हैं। अरे फादर आइए। हाँ, मैरी कहाँ है? टेरेस पर है, कल रात से वहीं पड़ी हुई है। अरे बाहर तो इतनी ठंड है, देखो कहीं वो बीमार ना पड़ जाए, उस पर ध्यान देना जरूरी है। मेरी बात कहाँ मानती है वो? वो ऐसा क्यों कर रही है? हाँ? मैरी कुट्टी, चलो हम लोग थोड़ा बाहर टहल कर आते हैं। आज नहीं फादर, आज मैं बहुत थकी हुई हूँ, सब ठीक हो जाएगा। मन से ही शरीर प्रभावित हो जाता है, अजीब बात है ना फादर, बहुत स्ट्रेंज है ना। तुम कहीं फिर से चेन्नई जाने की तो नहीं सोच रही हो? इस तरह हार कर भागने से क्या फायदा, डटे रहना यही एक रास्ता है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। अगर मंजिल हासिल करनी है तो इस तरह खड़े नहीं रहना है, उठकर आगे चलो, कदम आगे बढ़ने चाहिए। चलो आओ मेरे साथ, चलो आओ। मैं FM में एक नया प्रोग्राम शुरू करने की सोच रहा हूं, तो उस मामले में बात करने के लिए यहां आया हूं। उसमें मुझे क्या करना होगा? देखो इस इलाके में सिर्फ एक ही FM है, और वो FM सिर्फ और सिर्फ हमारा है। वैसे भी आजकल हमारे लिसनर्स काफी बढ़ गए हैं, इस बारे में मैंने तुम्हें एक बार बताया भी था ना, हैप्पीनेस आवर। जिंदगी में सवाल जवाब, समस्या सुख दुख,
इन सबको शेयर करने का प्रोग्राम। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है फादर। तो क्या तुम इस शो को होस्ट करोगे मैरी? दूसरों को समझने के लिए जो नरम दिल चाहिए वो है तुम्हारे पास, लेकिन फिलहाल तुम ये प्रोग्राम कर रही हो ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। कल पूरी रात आपने मेरे लिए इस प्रोग्राम के बारे में सोचा था? हाँ बिल्कुल, जहाँ अंत होता है वहीं से एक नई शुरुआत भी होती है, इसी को जिंदगी कहते हैं। पहले तुम्हारी आवाज को यहाँ के गांव वालों को पसंद करने दो। तुमने जो जिंगल गाई वो क्लिक हुई ना, तो ये भी क्लिक होगा, लेकिन तुम्हें अपना नाम बदलना पड़ेगा, और वो भी मैंने सोच लिया है, आरजे एंजल। तुम्हारे पहले जन्म में मातु कुट्टी नामकरण भी मैंने ही किया था ना, दूसरे जन्म का मेरी कुट्टी भी मैंने ही रखा, अब ये है तुम्हारा तीसरा जन्म। इस तरह के डिसीजन आप खुद मत लीजिए फादर, मैं कोशिश करूंगी, पता नहीं हो पाएगा या नहीं। मुझे पूरा यकीन है हम कामयाब होंगे। लेट्स सी। गुड मॉर्निंग, मैं हूं आरजे एंजल, हैप्पीनेस आर्स के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। ओके okay, क्या गुड स्टार्ट। मेरी कुटी, मैं कॉल कनेक्ट कर रहा हूं। ओके हेलो। इंग्लिश ना आना कोई गुनाह है क्या? आपका नाम क्या है? मेरा नाम पता चलेगा तो क्या आप मुझसे बात करोगी? ओहो, लगता है आप गुस्से में हैं। खैर अपनी परेशानी बताइए। मुझे इंग्लिश नहीं आती इसलिए लवर छोड़कर चली गई। मैं उसे मार डालूंगा या एसिड से चेहरा जला दूंगा। आप ये दोनों काम मत कीजिए, आप उससे प्यार करते ही आपकी आवाज से पता चल रहा है। आपको इंग्लिश नहीं आती इस वजह से जो लड़की आपको छोड़कर गई वो एक पागल लड़की है। वजह भाषा नहीं होनी चाहिए, भावनाएं होनी चाहिए। एक दूसरे की भावनाओं को कम्युनिकेट करने का सिर्फ जरिया है भाषा। मैं इसको भुला नहीं पा रहा हूँ। मत भूलो, उसकी यादों को लेकर कहीं बैठ जाओ, लेकिन कभी भी जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। वैसे भी उस लड़की के अलावा कोई और भी मकसद होगा ना आपकी जिंदगी में? और क्या मकसद है? होगा, वो सोच कर मुझे फिर से कॉल करो। मोबाइल नंबर मिल सकता है? कल आप मुझे इसी नंबर पर कॉल कीजिए। एंजल, आपकी आवाज तो मर्दों जैसी है। हम औरत और मर्द दोनों को एंजल कहते हैं ना, बस आवाज का मामला भी वैसा ही है। ठीक है एंजल, काफी हद तक मेरे दिल का बोझ हल्का हो गया क्योंकि मैंने आपसे बातें की। शायद ऐसा ही है। ओके एनीवे यू टेक केयर, बाय। बहुत ही बढ़िया। मैं इससे भी बढ़िया कर सकता हूँ? यहाँ नहीं, तुम किसी बस स्टैंड पे जाके करना ये सब। मेरी दूसरा कॉल कनेक्ट कर रहा हूँ। हेलो। मेरी एक परेशानी है इसीलिए फोन किया। नन्ही परी, तुम्हें क्या परेशानी है? यहाँ जो ऑर्फनेज है, यहाँ बर्थडे सेलिब्रेशन है मेरे क्लासमेट का। इसमें परेशानी क्या है, ये तो खुशी की बात है। कल यहाँ सारे पेरेंट्स गाड़ी में आने वाले हैं और हमें थोड़ी देर आईपैड में खेलने भी देंगे और खाना भी देंगे। तो इसमें परेशानी कहाँ है? जब वो वापस जाते हैं तो लगता है मेरे पास कुछ नहीं है। मैं रात भर ये सोच कर रोती हूँ। कभी कभी मुझे बहुत गुस्सा भी आ जाता है, मुझे लगता है कि मेरा कोई नहीं है। ऐसा नहीं सोचते बेटा, मैं समझ पा रही हूँ। जैसे सबके पेरेंट्स होते हैं वैसे तुम्हारे साथ ईश्वर है। दिल लगाकर पढ़ाई लिखाई करो और एक बेहतर इंसान बनो, इससे ज्यादा जिंदगी की सार्थकता और कुछ नहीं हो सकती। हेलो। ब्रिलियंट मास्टर के 70% स्टूडेंट्स SI सिलेक्शन के रिटर्न टेस्ट में पास हो चुके हैं। अगले सप्ताह बैच शुरू होगा। जो एंजल ने कहा वो सच है। सुनो एक काम करो, तुम लोग वहाँ बिरयानी भेज दो, हम लोग साथ में जाएंगे तो उसे और तकलीफ होगी। थैंक यू सो मच। हेलो गुड मॉर्निंग। आरजे एंजल हो ना? हाँ जी। हाँ, मेरा नाम फिलिप है, मैं यहाँ माली का काम करता हूँ। वैसे बेटी, तुम्हारा ये जो प्रोग्राम है ना, उसे सुनकर दिल को बहुत सुकून मिलता है। मैं प्रोग्राम का इंतजार करता हूँ, तुम ये प्रोग्राम बहुत अच्छा करती हो। हेलो। मुझे बहुत पसंद है। थैंक यू। अगर किसी अच्छी कंपनी से ऑफर आया तभी ज्वाइन करूंगी, नहीं तो पढ़ाई करूंगी, मेरा यही प्लान है। गुड। ये PWD के काम में जुड़े रहना मुझे पसंद नहीं है, और छुट्टी लेकर प्राइवेट सेक्टर में काम करना वो मैं कर नहीं सकता, यही प्रॉब्लम है। हाँ, मैं छुट्टियाँ कहीं घूमने के लिए जरूर ले सकता हूँ, कम से कम थोड़ा मूड तो चेंज हो जाएगा। वैसे तुम क्या सोचती हो?
जैसा तुम बोलोगी वैसा ही होगा। दिमाग पे स्ट्रेस मत दो तुम, तुम्हारे पास टाइम है, सोच के बताना तुम, ठीक है? एक मिनट में अभी आई। इतनी जल्दी बातें हो गई? माँ आपने उसे घर पे बुलाया क्या? क्यों? वो घर के अंदर नहीं आना चाहिए, समझ गई ना? जब मैं सऊदी में था तो फिलिप के कहने पर मैंने उस घर को खरीद लिया था। Now I am happily settled. Good. It's a very good area, I know. टीचर जी, आपको रिटायर हुए कितने साल हो गए? पिछले साल। ओ। बाहर कोई आया है? मैं अभी आती हूँ। ये कौन है? मुझे नहीं पता। कौन है ये टीचर? ये माँ का पुराना स्टूडेंट है। ये मेरी टीचर है। मैं ऐसे गुजर रही थी तो सोचा मिल लूं। बहुत दिन हो गए थे मिले। ऐसे लग रहा मैं गलत वक्त पे आ गई हूँ। यहाँ कोई शुभ कार्य हो रहा था लगता है। ठीक है, मैं चलती हूँ। आई एम सो सॉरी। बेटा, कम से कम एक मैसेज तो कर देता ना। माँ आपका बर्थडे था तो सरप्राइज देने के लिए आ गई थी, लेकिन उल्टा सरप्राइज हो गया। ये साड़ी है। वैसे एनी की अब शादी की उम्र हो गई है। एक चाय तो पीकर जाना बेटा। नहीं मम्मी, अभी नहीं। पापा और एनी ने जो कहा उसका दुख नहीं है मुझे। कभी न कभी उनकी उनकी सहमति से इस घर में कदम रखूंगी। अभी चलती हूँ माँ, चलते हो। आंटी तुम्हें टेस्टी डोसा और चटनी बनाकर देगी। नहीं, मुझे ये नहीं खाना। आखिर इस तरह से क्यों रो रही हो तनु? ऐसे रोती रहोगी तो बीमार पड़ जाओगी। अब रोना बंद करो। ये लो मम्मी का कॉल है, बात करो। हेलो, मुझे मम्मी से कोई बात नहीं करनी, मुझे अल्फा चिकन खाना है। ये बेवजह की जिद करके रो रही है, अब मैं क्या करूं? अरे वो जो भी मांग रही है उसे खरीद कर दे दो ना। तनु, घर आऊंगी तो मारूंगी। हाँ देखो, माँ ने भी बोल दिया, चलो चलते हैं। चल चुप, एक खींच कर दूंगी। अरे दुकान को हम कैसे पहचानेंगे? एक्सक्यूज मी, हाफ अल्फा चिकन। हाँ। टाइम लगेगा? 10 मिनट लगेगा। 2 मिनट वेट किया होता तो डोसा खा लेती। नहीं, मुझे यही खाना है। मुझे आइसक्रीम भी चाहिए। चटोरी हो गई तू। देख वहाँ खड़ी है। आइसक्रीम चाहिए। आइसक्रीम नहीं खाते। अगर हम इसे छोड़ देंगे तो आगे मुश्किल हो जाएगी। इस गांव में मर्द भी रहते हैं, उसे एहसास होना चाहिए। चला जा। तुम्हारे लिए आइसक्रीम मैं खुद बना दूंगी, ठीक है? ये किसकी बच्ची है? इस बच्ची के साथ धंधा कराती है क्या? अरे इस बच्ची को कहाँ से उठा के लाई है? अरे वो पड़ोस में औरत रहती है ना, उसी की बच्ची। अरे उस औरत के बारे में हमने भी बहुत सुना है, देखने में वो भी बहुत तेज लगती है। ऑर्डर कैंसिल कर दीजिए। अरे कहाँ जा रही है? अरे सुनना, कहाँ जा रही है? अरे हम तो सच के भाग जाएगी क्या? नरम बॉडी है, देखना कितना गुस्सा कर रही है। अरे बच्ची के लिए चिकन तो खरीदती जाओ। इसकी माँ बाहर काम करती है और तू इस बच्ची के साथ धंधा करती है? क्या चल रही है? तू मर्द है या औरत, ये जानने के बाद ही तुझे जाने देंगे। चल चल, कपड़े उतार। छोड़ो आंटी को।
मेरी बेटी को छोड़ो। अरे पूरा गांव वालों को देखने देना, देखने दे चीज ओरिजिनल है कि नकली है। ए, वीडियो क्यों बना रहा है? चल चल, मैं भी पता चले कि तुम मर्द की औरत। चल चल चल, पुलिस आ गई है। कभी गलती से भी इधर मत आना, समझे? क्या हुआ? अरे जरा अच्छे से पूछ देना। क्या हो रहा है यहाँ? बड़ी आई औरत बनने साइड हटो। की करती है? रास्ता दो, रास्ता दो, पीछे हटो, पीछे हटो। हेल्प मी प्लीज सर, हेल्प मी प्लीज सर। हटो सब लोग यहाँ से, जाओ। Help me please sir. Help me sir. हम लोग वहां दो पैक ले रहे थे सर, तो ये आके बोली अगर चिकन दिला दो तो मैं चलने को तैयार हूँ। सिर्फ इतना ही नहीं सर, ये बच्ची को भी भेजने को तैयार हो गई थी। Stop this nonsense. सर ये दोनों झूठ बोल रहे हैं सर। बच्ची को लाकर इस तरफ खड़ा करो। चलो डरो मत, कुछ नहीं होगा, चलो मेरे साथ। ला बच्ची को इधर। ऐसा मत कीजिए सर। तुम वही रहो। तुम्हारा माँ बाप कौन है? उन्हें फोन करके बताऊंगा। मेरे कोई नहीं सर। तुम सीधे आसमान से टपकी हो क्या? सर वो गल्फ में रहता था ना फिलिप, उसी का लड़का है। ठीक है तो फिर फिलिप का नंबर पता करो, फोन करके उसे यहाँ बुलाओ, उससे बात करता हूँ। What for? He has nothing to do with this. वो सब तुम मुझे देखने दो, समझ गए? अरे तनु, हाँ माँ आ गई। ऐसे अजीब लोगों के साथ अपनी बच्ची को बाहर क्यों भेजती हो? वैसे बात क्या है सर? तुम्हारी बच्ची को अभी ये इनके साथ भेजने वाली थी गलत काम के लिए। How dare you? आंखें नीचे करो, नीचे करो कहा। तुम लोग कंप्लेन लिखा कर यहाँ से जाओ, मैं बाद में बुलाता हूँ। ठीक है सर। अब जाओ। जी सर, ये ऐसा काम नहीं कर सकती, मुझे यकीन है। तुम्हें यकीन है? अपने पति का नंबर दो मुझे, नंबर दो मुझे। सर मत कीजिए सर। नंबर बताओ। 9847163734। क्या नाम है तुम्हारे पति का? मधु। मिस्टर मधु, पुलिस स्टेशन से कुंजी पालन बात कर रहा हूँ। तुम्हारी बच्ची और बीवी यहाँ अभी पुलिस स्टेशन में किसी मामले में है, बड़ी समस्या हो सकती है। तुम चेन्नई में हो? हाँ यही है, बात करो। हाँ हेलो। बच्ची को अकेला छोड़कर नहीं जाना था, बोला था ना मैंने। मधु जब मैं यहाँ आई तो मैरी उसके साथ थी। ये क्या बात हुई? मैंने कितनी बार समझाया कि ऐसे लोगों को अपने साथ मत रखो, समझाता हूँ समझती नहीं हो। नॉनसेंस, मेरी बातों की तो कोई इज्जत ही नहीं है, अपनी मनमानी बंद करो। ये सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग है मधु, प्लीज। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, अभी के अभी बच्ची को लेकर घर जाओ। आई हैव नथिंग मोर टू से। मधु तुम घर जाकर मुझे फोन करो, मैं तभी बात करूंगा। अब माँ बेटी वही करो जैसा डैडी ने कहा है। अब इस मामले में करना क्या है हम सोचते हैं, और अपने बच्चे को जरा ठीक से पालो, कोई ऊंच नीच हो गई तो फिर क्या होगा, समझ में आया? चलो जाओ। क्या हुआ, नहीं जाओगी? कहानी बदलना चाहती हो क्या? जाओ जाओ। मामला तो बिल्कुल बिगड़ गया है। इसी पुलिस स्टेशन में एसआई बनकर आने की बात कर रही थी हा? पर यहाँ किस्मत में कुछ और लिखा है। सर इसके फादर फिलिप को फोन कर दिया, वो आने ही वाले हैं। आने दो, इसे इस हॉल में लॉकअप में रख सकते हैं क्या? सर इसने ब्लाउज चड्डी में बहुत सारी प्लास्टिक भरकर रखी होगी, कहीं इसने आत्महत्या कर ली तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे सर। वैसे क्या करना चाहिए सर, मर्द होगा तो कोई परेशानी नहीं, लेकिन औरत होगी तो छू भी नहीं सकते। तो फिर तुम्हें मर्द के रूप में देखें या औरत के रूप में? मेरे जैसे इंसान को देखकर
आप तय नहीं कर पा रहे कि मर्द की नजर से देखो या औरत की। मुंह बंद कर, क्या समझती अपने आप को? हम तुझसे प्यार से पूछ रहे हैं और तू आंखें दिखा रही है। आंखें तो मर्द दिखाते हैं, चड्डी में ही अंदर डाल दो इसे। ये तो बेसिक ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। ओ, तो आप हमें जानकारी दे रहे हैं, पर रिकॉर्ड के अनुसार मर्दों को चड्डी में अंदर कर सकते हैं। तुम औरत हो, इसका कोई प्रमाण है तुम्हारे पास? नहीं है, इसे चड्डी में खड़ा करो। चलो उतारो। हाँ उतार कपड़े, अंदर क्या क्या छुपा के रखी है हम भी तो देखें जरा। जरा तुम जाकर इसकी मदद करो, हम छुएंगे तो इशू बन जाएगा। प्लीज हाथ हटाओ। प्लीज कहा ना हाथ हटाओ, सुनाई नहीं दे रहा। जब वो पीएससी एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ था तभी ये मामला खत्म हो गया था। अब क्या लड़की को कोर्ट भेज के फंसना चाहते हो क्या? पीडोफिलिया, इमोरल ट्रैफिक, इसमें कोई नहीं टिकेगा। अगर तुमने अपना बदला लेने के लिए केस किया है तो याद रखना, उसने केस किया तो फंसोगे। ऊपर से मीडिया का प्रेशर, इसलिए केस रजिस्टर मत करो। सर पुराना बदला लेने की बात बाहर आएगी तो नाम तो बदनाम होगा। एक ट्रांसजेंडर ने पुलिस में भर्ती होने के लिए एप्लीकेशन दिया ये दुनिया को पता चला तो डिपार्टमेंट बदनाम होगा। वैसे मैंने एक रिकॉर्ड तैयार करके रखा है, आपके कहने पर ही मैंने ऐसा किया था सर। अब आप ऐसा बोलेंगे तो कैसे चलेगा सर? हाँ सर ठीक है, मैं सुबह बात करता हूँ। ओके सर। आइए। सर यही है फिलिप। कौन सा फिलिप? जाइए सर, वो आपने बुलाया था ना? हाँ फिलिप सर, उसके पिताजी। धरती का बोझ बढ़ाने के लिए ऐसों को पैदा करके तुम आराम से सो रहे हो है ना, बैठ जाओ। तो तुम ही उसके बाप हो ना? नहीं। क्या बोल रहे हो? सर वो मैं पहली बार पुलिस स्टेशन में आया हूँ ना, तो पुलिस वाले से डर रहे हो? जी सर। डरना चाहिए, पर ये डर तुम्हारी औलाद में नहीं है। एक मासूम बच्ची के साथ रात में धंधा करने निकल गई। मैंने कोई केस दर्ज नहीं किया, लेकर जाओ। नहीं सर, मेरा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं। जन्म देने वाला बाप ऐसा कह रहा है? ओए सुन लिया, क्यों ऐसा करती है तू? जन्म देते से मार देना चाहिए था, धरती का बोझ है ये सब। मुझे उस वक्त बहुत गर्व महसूस हुआ था जब तुम बेटे के रूप में पैदा हुए थे, लेकिन अब बहुत हो गया मेरी कुट्टी। कोई भी बाप तुझ जैसे को अपना बेटा कहलाना पसंद नहीं करेगा। शर्म आती है मुझे। बंद करो ये सब और जाकर कहीं डूब मरो। अच्छी सोच और अच्छी शुरुआत, चलिए आज का दिन ऐसे ही स्टार्ट हो। इस शो की होस्टिंग आरजे एंजल की जगह हैप्पीनेस आवर शो में करने जा रहा हूँ। आप लोगों की खुशी, दुख, सुख, आशा, निराशा, इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो मैं हूँ आपका आरजे एल्विन हेनरी। आपको बस कॉल करना है 0486222969 पर। मैं कल ही उसके घर गया था और आज सुबह ये खबर मिल गई। रिपब्लिक न्यूसेंस का चार्ज लगाया है सिर्फ, वो भी आपके कहने पर। इसके अलावा और चार्ज भी क्या लगा सकते हैं इंस्पेक्टर साहब? एक नोटिफाइड सीए के अधिकार में सिर्फ इतना है कि वो इमोरल ट्रैफिक का केस लगा सकता है, वो भी पक्के सबूत होने पर। क्या फादर आप भी यहाँ पर बेकार लोगों को ले आते हैं? ये जो फॉर्म है उस पर फादर का साइन है, इसके आधार पर मैं उसको जमानत दे रहा हूँ। अभी तो जाओ, जरूरत पड़ी तो बुलाऊंगा।
कुंजीपाल जी, आप कभी चर्च नहीं जाते क्या? क्या कह रहे हैं, ऊपर वाले का ध्यान करके ही काम करता हूँ। नारायण सर का कन्फेशन पार्ट सुनता हूँ ना तो दिल को चैन मिलता है। अपने पाप का कन्फेशन करने से तुम जो पाप करे वो कम नहीं होने वाले। इसके साथ जो पाप किया है कन्फेशन तो करना पड़ेगा। ठीक है, कर लूंगा। चलते हैं। क्या हुआ, तू मुझे घूर क्यों रही है? आके नीचे कर। चलो आ जाओ। इसका बैग देखा तूने? मस्त है ना? कल ध्यान नहीं दिया था। प्लीज मत जा मेरी आंटी। अगर मैं नहीं गई ना तो फिर तुम्हारी मम्मी तुम्हारी देखभाल करना कब सीखेगी? आशा भवन पास में ही तो है, जब मन करे आ जाना। तुम इसे साथ लेकर आना, ठीक है? Are you sure? अभी इस तरह जाने की जरूरत है क्या? चलो यू 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 यू। अच्छा, मेरे पीएससी टेस्ट को लेकर पुलिस स्टेशन के अंदर जरूर कुछ गड़बड़ी हुई है। उन दोनों की बातचीत से मुझे पता चला, वकील मुझे वेरीफाई करके बताएगा। अगर इस तरह का कुछ हुआ तो बदले में हम लोग क्या कर सकते हैं? मेरी लाइफ में अगर इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है तो डेफिनेटली आई विल फाइट। फिर फाइट? इतना झेलने के बाद भी तुम नहीं समझी, इस सबसे मुश्किलें बढ़ जाएंगी। जो भी हो लेकिन कुछ दिन तुम दोनों मधु के पास जाकर रहो, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम हो। प्लीज। वो सब मैं देख लूंगी, तुम बस अपना ख्याल रखना। जस्ट अ सेकंड। हाँ एल्विन, बस बाहर निकल रही हूँ। कोई बात नहीं, मैं भी आती हूँ। उसे पकड़ना है? क्या बात है? देखो इसमें कोई अच्छी खबर है। ओहो फेंको इसे, आजकल के इन रिपोर्टर्स को बिल्कुल भी कॉमन सेंस नहीं है। इसे मेरे पास रहने दो, मेरे लिए इंस्पिरेशन है। चलती हूँ। आपसे कितनी बार कहा ऐसे बैठ के मत रोया करो माँ, और इस अखबार को फेंको इधर, और आगे से अब इस घर में उसकी कोई चर्चा नहीं होगी। आपने देखा ना पापा, उसकी वजह से ही इस घर में परेशानी होती है। आपने बेटे के लिए कितनी मन्नतें मांगी थी ना, अब देखिए वही बेटा क्या कर रहा है। आप छिपकर अपने बेटे से मिलती, मुझे पता है। अब अगर ऐसा हुआ ना तो मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी, सुन लिया ना आप दोनों ने? Nice. Excellent. हम हर वीकेंड में एक ऐसा सेशन करेंगे, ठीक है? अब तुम जाओ। अब नेक्स्ट कौन है? मैं। अच्छा तुम? हाँ। एक मिनट बेटा, हाँ एक मिनट। हाँ हाँ बताइए। खबर बिल्कुल पक्की है, वहाँ लोकल पुलिस स्टेशन में मेरी कुट्टी के पीएससी एप्लीकेशन के खिलाफ रिपोर्ट गई है। कैसी रिपोर्ट है वो? बस कुछ नहीं, तुम्हारे बारे में भला बुरा लिख कर भेजा है। मेरे ख्याल से पीएससी एप्लीकेशन रिजेक्ट होने का मेन रीजन यही हो सकता है, मैंने रिपोर्ट की कॉपी के लिए मैसेज भेजा है। वकील अगर उस रिपोर्ट को लेकर हम कोर्ट में जाएं तो कोई फायदा होगा? पब्लिक सपोर्ट थोड़ा सा मिल जाएगा, बस उसके अलावा कोई फायदा नहीं होगा। मीडिया वालों को भी थोड़ा सा मसाला मिल जाएगा, पर इससे इतना जरूर होगा कि एसआई की इज्जत नीलाम हो जाएगी। मेरी कुट्टी, तुम जो आरजे का काम करती हो उससे फायदा उठाओ ना। वकील साहब कल आप सुबह मिलेंगे क्या? मेरी कुट्टी मैं तो तुम्हारे लिए कहीं भी आ सकता हूँ, वैसे बात क्या है? कुछ नहीं, कल बात करती हूँ। कुछ कुछ होता है। गुड मॉर्निंग, एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर से हम लौटते हैं हैप्पीनेस आर में। मैं हूँ आपकी आरजे एंजल। आज का विषय बहुत ही डेलिकेटेड है,
एक्सक्लूसिवली आपसे डिस्कस करना है। मैरी कोटी के साथ पुलिस ने, समाज ने जो किया वो न्याय है या फिर अन्याय? एक इंसान को अपने सेक्स के अनुसार जीने का अधिकार नहीं है क्या? यह तो अन्याय है, इसे रोकना ही पड़ेगा। मैरी कुट्टी जैसे इंसान के साथ पुलिस ने जो किया उसका विरोध करना ही सही रहेगा। हम सबको मिलकर कोई डिसीजन लेना चाहिए। ना तो मैरी कुट्टी ने सही किया और ना ही यहाँ की पुलिस ने। मैरी कुट्टी को चर्च से बाहर निकालना है। वैसे आप उसकी तरफदारी क्यों कर रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ही मैरी कुट्टी हो? कल जो घटना हुई थी उसमें मेरी कुट्टी का कोई दोष नहीं है। इंसानियत के लिए जनता को आगे आना चाहिए, उसका साथ देना चाहिए, उसे गांव से निकाल देना चाहिए। मेरी कुट्टी ने जानबूझकर पुलिस को बदनाम करने के लिए ये सब किया है। आई थिंक मेरी कुट्टी इज रॉन्ग एग्जाम्पल। थैंक यू। लेकिन जिसे बदलना है वो कोई नजरिया है या कोई व्यक्ति है, ये जानना आज का मकसद था। यहाँ कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, गुड डे। निशा, फ्राइडे को त्रिवेंद्रम जाना है। मेरी बेटी कह रही थी कि उसके स्कूल का एनुअल फंक्शन अटेंड करो। ओके सर। आज कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग है क्या? तुम्हारा कलेक्टर से मिलना हुआ था क्या बेटी? नहीं फादर, कल मैं फिर कोशिश करूंगी। कलेक्टर, डीजीपी या मिनिस्टर, अगर इनमें से किसी ने भी इसे सीरियसली लिया तो पीएससी के रीटेस्ट को फिर से कंडक्ट किया जा सकता है। इस तरह पहले भी हुआ है। तुम्हारे साथ खड़ा होना और तुम्हें आरजे बनाना, शायद ये सब मुझे नहीं करना चाहिए था। अब ऐसा लग रहा है हमारी सोसाइटी हमेशा से ही ऐसी है। बेटी, तुम चेन्नई जाकर वापस अपने काम को रीजॉइन कर लो, वही तुम्हारे लिए सही होगा। हमारी सोसाइटी और लोग बहुत अच्छे हैं फादर, लेकिन किसी नए मामले को अपनाने में थोड़ा वक्त तो लगता ही है फादर। तुम यहाँ पर खड़ी रहकर अपना और वक्त बर्बाद कर रही हो, जो मुझे पसंद नहीं है। जब तुमने एफएम पर मेरी कुट्टी की साइड लेके चर्चा शुरू की तो पूरे गांव वाले तुम्हारे खिलाफ खड़े हो गए थे, और अगर उन लोगों को ये पता चला कि तुम ही वो आरजे एंजल हो तो भी कुछ नहीं बदलने वाला है। बात को समझो। आरजे एंजल, ये मेरी कुट्टी का दूसरा कदम है फादर। इस नाम का इस्तेमाल करूंगी तभी बात बनेगी। मिनिस्टर से या कलेक्टर से मिलने के लिए एक और अपॉइंटमेंट ट्राई करें क्या? मैरी कुट्टी के नाम से मुझे कोई अपॉइंटमेंट नहीं देगा। आरजे एंजल के नाम से ट्राई करें। वो कैसे? कलेक्टर मनोज वैद्य है ना, हो सकता है हमारा एफएम सुनते हो, वो हमारे यहाँ के रहने वाले हैं। हाँ, वो हो सकता है, अगर उन्हें गेस्ट के तौर पर बुलाने की कोशिश करें तो। देखते हैं। ये काम करेगा लगता है। वैसे भी ये कलेक्टर सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव रहता है। तुम एक बार कमेंट तो करो, रिप्लाई जरूर आएगा। लेट्स सी। बहुत गलत किया आपने, एनी का एक ऐसा भाई है, ये आपने छुपा कर क्यों रखा था? दरअसल इस बारे में जोश को मुझसे बेहतर पता है। हमने मिलकर सगाई जैसे शुभ कार्य को पूरा कर लिया, अब इसको रोकना ठीक नहीं होगा। वो इस घर के लिए मर चुका है। ऐसा बोलोगे तो चलेगा? बेइज्जती हो जाएगी अपनी जोश। गांव वालों और रिश्तेदारों से नजर मिला पाएंगे? लोगों को पता चला ट्रांसजेंडर की फैमिली से हमने रिश्ता किया है तो? पिताजी, इस मामले में मुझे फैसला करने दीजिए, क्योंकि लाइफ मेरी है। मेरी बेटी की जिंदगी मत खराब करो, हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं।
देखिए, आपके रोने धोने से मेरे पिताजी का गुस्सा शांत नहीं होने वाला है। मैं एनी से अकेले में बात करना चाहता हूं। ओके, आई कॉल यू बैक। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। आरजे एंजेल। हाँ। बैठिए। अक्सर तुम्हारे प्रोग्राम सुनता हूँ, पर आशा नहीं थी कि तुम ऐसी होगी। शैल वी स्टार्ट? श्योर। 15 मिनट का टाइम है, जो पूछना है पूछो। वैसे आम जनता आपसे मिलने के लिए आपके ऑफिस के सामने घंटों खड़ी रहती है, ऐसे में इस इंटरव्यू के लिए आपने प्रायोरिटी दी। वाई? पब्लिसिटी के लिए ना? तुम अपने सवाल पॉजिटिव वे में क्यों नहीं ले जाती? वैसे भी मेरा ऑफिस टाइम नहीं है और ना ही जनता के मिलने का समय है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस इंटरव्यू का ऑफिशियल ड्यूटी पे कोई असर पड़ने वाला है। यू आर रॉन्ग सर। आपके अपॉइंटमेंट के लिए मैं 3 दिन से आपके ऑफिस के सामने वेट कर रही थी। जब बात नहीं बनी तो इस इंटरव्यू का सहारा लेना पड़ा। मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलने की कोशिश करता हूँ। वैसे तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैं एंजल नहीं बल्कि मेरी कुटी हूँ। मैं खुद ही एक प्रॉब्लम हूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं। सच कहूं तो मुझे तुम्हारे अंदर कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही है। इतना ही नहीं, तुम आरजे एंजल के नाम से एक बढ़िया इज्जतदार काम कर रही हो। आजकल ट्रांसजेंडर को लोग उतनी बुरी नजर से नहीं देखते। सर, हम जैसे लोग प्रोस्टिट्यूट्स हो या फिर भीख मांगने वाले लोग हो, उन सब की नेग्लिजेंस की वजह आप जैसे लोग ही हैं सर। क्योंकि पर्सनालिटी को दर्शाने वाला एक टूल है अपना शरीर। शरीर से इंसान को आंकना सही है? एक्चुअली खुलकर बताओ, तुम कहना क्या चाहती हो? मेरी कुट्टी अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो उससे बचाने के लिए मैं जो कुछ भी कर सकता हूँ ऑफ कोर्स जरूर करूंगा। आई वॉन्ट टू बी ए पुलिस ऑफिसर, और इस अपॉर्चुनिटी को मुझसे छीनने वाले जो लोग हैं वो पुलिस डिपार्टमेंट में ही हैं। बट दैट्स माई ड्रीम, दैट्स माई एम्बिशन। कैन यू हेल्प मी? हाँ, ये अच्छा रहेगा। चार एकड़ की जो जमीन है, अगर तुम उसके नाम पर कर दोगी तो वो लोग शादी के लिए मान जाएंगे। तुम्हारे पापा ने फोन करके बताया मुझे, तुम यहाँ शिफ्ट हो गई है ये उन्हें पता नहीं है, और मैं उन्हें बताने वाली भी नहीं। जमीन को एनी के नाम पर करवाने के लिए मेरी कुट्टी का मानना जरूरी है। मुझे तो लगता है कि ये सब वो तुम्हारी जायदाद हड़पने के लिए ही कर रहे हैं। भाई, मेरा तो यही कहना है कि इस पे साइन मत करना। मेरा भी सेम ओपिनियन है मेरी। तुम क्यों जायदाद ऐसे लुटाओगी? माना कि तुम्हें कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर कभी प्रॉब्लम आ गई तो उसमें तो सपोर्ट मिलेगा। जायदाद और पैसा ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। मेरा तो बस यही सपना है कि माँ बाप मेरी कुटी नाम से मुझे पुकारे। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। वकील जरा मुझे वो देना। याद रखना, पैसे से ही पैसा बनता है। पेन? हाथ जूठा है ना। मैं तुमसे एक बात पूछूं, क्या तुम्हें अब भी उम्मीद है कि तुम्हें पुलिस फोर्स ज्वाइन करने का मौका मिल जाएगा? और तुम्हारा चेन्नई में जो जॉब था, क्या वो तुम्हें मिल सकता है? जरा सोच कर देखो, इतना बड़ा सैक्रिफाइस क्यों कर रही हो तुम? तुम पागल हो गई हो क्या? मुझे टाउन जाना है और एमएलए से मिलना है। हमारी बात क्यों नहीं समझ रही हो मैरी? यू आर फाइटिंग अ लॉस्ट कॉज। नहीं, जब तक हारेंगे नहीं तब तक जीतेंगे कैसे? हाँ ठीक कहा, हारने तक ऐसे ही खेलते रहना है ना। चलते हैं। हेलो, साबू बोल रहे हैं ना? हाँ बोल रहा हूँ। बिजी हो क्या? नहीं नहीं, मेरी कुट्टी बोल रही हूँ। सोचा अगर मैं खुद मिलने आऊंगी तो तुम्हें प्रॉब्लम होगी, इसलिए फोन किया। हम बात कर सकते हैं? हाँ बताइए ना, बोलिए। तुमसे एक प्रॉमिस करने के लिए फोन किया था मैंने। मेरी वजह से तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तुम उस पूरी जायदाद को ले लो, मुझे नहीं चाहिए। हे, हम लोग ऐसे नहीं हैं। मेरी तुमसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, जब तुम्हारी शादी हो जाए तो हमेशा खुश रहना। और एक बात और, तुम्हारे किसी भी झगड़े की वजह मैं बिल्कुल नहीं बनना चाहती। आई होप यू अंडरस्टैंड। यस, थैंक यू। दोबारा फोन करके कभी भी डिस्टर्ब नहीं करूंगी। विश यू ऑल द बेस्ट।
थैंक यू। मेरी कुटी कौन है? हाँ आइए। आरजी एंजल को नहीं, मेरी कुट्टी को अपॉइंट किया है। अब तो ठीक है ना? मेरी कुट्टी, मैंने तुम्हारा केस पढ़ा था, बाद में पता चला कि तुम जेन्युइन हो। थोड़ा सा पढ़ने से ही पता चल गया था। दिस इज योर रिजल्ट। मेरी कुट्टी, तुम अकेली कैंडिडेट हो जो पीएससी के लिए रिटेस्ट देने जा रही हो। मेरी कुट्टी, जब तुमने उसके खिलाफ आवाज उठाई थी तब गांव वाले भले ही तुम्हारे साथ ना हो, लेकिन आज कई लोग ऐसे हैं जो तुम्हारा पूरा सपोर्ट करते हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर। वैसे ये टेस्ट पास करने के लिए नॉर्मली 40 नंबर चाहिए, लेकिन तुम्हारे ट्रांसजेंडर होने के नाते 35 नंबर भी होंगे तो चलेगा। उसके बाद तुम अगले महीने होने वाले फिजिकल टेस्ट में भाग ले सकती हो। क्या हुआ? क्या इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि तुम 35 नंबर पालोगी? कॉन्फिडेंस की बात नहीं है सर, ये ट्रांसजेंडर नाम का जो वर्ड है ना, ये आपके मुंह से कैसे निकल जाता है सर? मुझ जैसे लोगों को जब आप ऑफिशियली देखेंगे तो इस दुनिया में एक नई प्रेरणा को जन्म दे सकते हैं सर। ट्रांसजेंडर के नाम पर मुझे एक भी सुविधा नहीं चाहिए सर। मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। समझ गई सर। इस टेस्ट में 35 मार्क्स लाने से मैं टेक्निकली पास हो जाऊंगी, लेकिन मैं 40 से ज्यादा मार्क्स लाऊंगी तभी फिजिकल टेस्ट में हिस्सा लूंगी, ये मेरा प्रॉमिस है। अदरवाइज आई विल कंसिडर माई सेल्फ फेल्ड। इतने गुस्से की जरूरत है क्या? हाँ है। गुड। मेरी कुट्टी, अब मेरी समझ में आ गया। इसलिए बच्चों से लेकर आज तक मुझ जैसे लोगों ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी बर्ताव किया है उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। ये बात मैं सीरियसली बोल रहा हूं। बात वो नहीं है सर। तो फिर जिंदगी में पहली बार मुझसे किसी ने माफी मांगी सर। हेलो सर, सर, सीआई सर। सीआई सर? हाँ सर, ठीक है सर, 2 दिन की मोहलत दीजिए सर। ओके। क्या हुआ सर, सीआई साहब ने क्यों फोन किया था? हमें क्या करना है वो हम तय करेंगे। फिजिकल टेस्ट में पास होने के बाद ये जरूरी है कि पुलिस वेरिफिकेशन हो, और नहीं तो क्या। अगर ऐसे लोग पुलिस में आएंगे तो डिपार्टमेंट की बदनामी होगी और ऐसे लोगों को हमें सैल्यूट मारनी पड़ेगी सर, ये ठीक नहीं। कौन आने वाला है सर? मैंने बताया था ना तुम्हें। अरे बाप रे, अरे बाप रे, बताया था ना। बाप रे बाप, बाप रे। सर, क्या हम उसे ड्रग्स के केस में अंदर करवा दें? इसमें वो बुरी तरह फंस जाएगी, दूसरे केस में वो निकल जाएगी। ऐसे समय में उसके लिए केस क्रिएट करना आसान नहीं होगा, पर मैं तरीका ढूंढ लूंगा। लेकिन वो कैसे? तू चुपचाप रहेगा कि नहीं? इतनी पिटाई के बाद भी बकबक कर रहा है। तुम मेरी शादी में बिल्कुल मत आना। नहीं आऊंगी। तुम मेरे भाई हो या साबू के घर वाले जान चुके हैं, फिर भी वो मुझे अपने घर की बहू बनाने के लिए तैयार है, ये उनका बड़प्पन है। इसलिए अब तुम कोई प्रॉब्लम क्रिएट मत करना। तुम मुझसे दूर रहोगे तो मेरे लिए अच्छा होगा। इतना ज्यादा गुस्सा नहीं करना, ये मैंने तुम्हें समझाया था ना। शादी के बाद थोड़े दिन तक हम यहीं रहने वाले हैं, तो मेहरबानी करके कभी हमारे सामने मत आना। नहीं, नहीं आऊंगी, कभी नहीं आऊंगी, तुम बेफिक्र रहो। मेरा एक भाई है, इस बात का मुझे गर्व था। पढ़ाने के लिए, एडवाइस देने के लिए,
मेरी हर प्रॉब्लम में साथ देने के लिए। तुमने ऐसा क्यों किया? ये बात तुम थोड़े दिनों में समझ जाओगी। पहले जो सपोर्ट तुम्हें अपने भाई से नहीं मिला, वो तुम्हें अपने हस्बैंड से मिलेगा। लेकिन फिर भी तुम अपने पैरों पर खड़े होना। बी योरसेल्फ, बी बाय योरसेल्फ। एनी, मुझ में जो भी प्यार है वो सब आज तुम पर न्योछावर है। गुड मॉर्निंग, हैप्पीनेस आर में आप सबका स्वागत है। आज मेरे लिए बहुत ही खुशी का दिन है। वैसे खुशी के लिए खास वजह का होना जरूरी नहीं है, बस एक पॉजिटिव थॉट ही काफी है प्रोग्राम को शुरू करने के लिए। यू आर विद मी आरजे एंजल। शादी हो गई। फंक्शन अच्छा हुआ था, सारे मेहमान आए थे। फोटोज देखना चाहोगी? ऑर्फनेज के बच्चों को बिरयानी खिलाई, चाहो तो फंक्शन में जाकर खाना खाकर आ सकती हो। ये कोई फिल्म है क्या? बस जाके आ जाओ, चैपल में ये किसी को पता नहीं चलेगा। एल्विन, तुम्हारी सिस्टर भी क्या कर रही है? प्लस वन टू या थ्री ऐसा कुछ तो कर रही होगी। क्यों पूछ रही हो? बस ऐसे। वेलकम बैक टू द शो। साबू के घर वाले आते ही होंगे, ड्रेस चेंज करने गए हैं, और टीचर भी अनी के साथ अभी आ जाएगी। उनको अपने हिसाब से आने दो, मामला अभी वो नहीं है। साबू और एनी का घर पहले अच्छी तरह से बस तो जाने दो। ये रस्म पूरी हुई तो लगा सिर से बोझ उतर गया। वैसे लड़कियां बोझ नहीं होती हैं फादर, लेकिन मन में चिंता तो रहती है। लड़का हो या लड़की हो, अगर वो अच्छा है तो गाँव वालों को घर वालों को अच्छा ही मानेंगे। लेकिन ये सारी बातें भूलकर तुम चर्च जरूर आ जाना। घर में ही रहकर ये सब पूजा पाठ करना और प्रेयर करना काफी नहीं होता है। ठीक है फादर। वैसे फादर, यहाँ एफएम में जो प्रोग्राम करती है एंजल, वो यहाँ आई है क्या? मैंने सुना है वो आशा भवन में रहती है। क्यों जानना है? कुछ नहीं फादर, बस ऐसे ही पूछ लिया। क्या तुम उस एंजल से मिलना चाहते हो? जी हाँ फादर, आओ। हाँ। मैं उसके दिल को जानता हूं। वो एनी की भलाई के लिए प्रे कर रही है और गाना गा रही है। उसमें जो टैलेंट है, जो क्वालिटी है, वो तुम्हें पता है क्या फिलिप? इतना कुछ होने के बाद उसने कभी भी ईश्वर के सामने शिकायत नहीं की है, ये मैं जानता हूं। ऐसे लोगों का साथ ईश्वर आसानी से नहीं छोड़ता है। इस पीएससी टेस्ट में वो पास होगी, इसकी गारंटी मैं देता हूं। और वजह, क्योंकि यही उसका लक्ष्य है। और एक ना एक दिन तुम सब उस पर गर्व करोगे। आज बहुत ही स्पेशल डे है आरजे को चाहने वालों के लिए, क्योंकि आज उनका बर्थडे है। और आज का ये सारा प्रोग्राम एंजल डेडिकेट यू। आरजे एंजल को बर्थडे विश करने के लिए आप फोन कर सकते हैं। तो इंतजार कैसा?
तुम किसे ढूंढ रही हो मैरी कुटी? सारे बच्चे अभी एफएम स्टेशन पर हैं और बर्थडे वाला गाना उन्होंने ही गाया। इस नए जन्मे मैरी कुटी तुम्हारा फर्स्ट बर्थडे हम लोग ऐसे सेलिब्रेट करेंगे, यही हमने प्लान किया था। क्यों, कोई शिकायत है क्या? वो बच्चे जानते हैं कि मैं ही आज एंजल हूँ। उन्हें जानने दो, और चाहता हूँ कि धीरे धीरे सबको पता चले। छुपा कर रखने से क्या फायदा, तुम कोई गलत काम तो कर नहीं रही हो। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है फादर। We are so happy to have you in our lives, Angel Auntie. आपका कोई जवाब नहीं एंजल, आप बहुत अच्छी हैं। Happy birthday, Angel. We love you, Angel. एंजल ही मेरी इस कामयाबी की प्रेरणा है, तो आप लोग भूलिएगा मत आरजे एंजल को बर्थडे विश करने के लिए 0486222969 पर कॉल करके उन्हें विश कीजिएगा। अब पूरा देश तुम्हें विश करेगा। इस जन्म में तुमने जो अपमान सहा है उसे अब खुलकर बता देना बेटी। हैप्पी बर्थडे। तुम्हारे बर्थडे पे कोई धूमधड़ाका नहीं? सर आप यहाँ किसी फंक्शन के लिए आए क्या? मैं फादर को बुलाती हूँ। नहीं रहने दो, मैं यहाँ मेरी कुट्टी से मिलने के लिए आया हूँ। खुशकिस्मत हो कि 27 साल की उम्र में अपना पहला बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हो। ये हमारी तरफ से बर्थडे का छोटा सा गिफ्ट है। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स। ये एक कंट्रोवर्शियल केस है, इसलिए मैंने खुद ही आकर डिलीवर करने का फैसला किया। इसके अलावा इसकी एक और वजह भी है। मेरी कुट्टी, तुम्हारे पीएससी रिटर्न टेस्ट का रिजल्ट आ चुका है। देयर इज अ गुड न्यूज एंड अ बैड न्यूज। पहले कौन सी सुनाओ? गुड न्यूज इज मेरी कुट्टी पास हो गई है। बैड न्यूज? बैड न्यूज मेरे लिए है, रिटर्न टेस्ट देते समय 40 मार्क्स से ज़्यादा लाने का जो मेरी कुट्टी का कॉन्फिडेंस था, दरअसल मैंने उसे तुम्हारा गुस्सा समझा, जबकि वो आत्मविश्वास था जो तुम्हारे अंदर भरा हुआ है। यू हैव स्कोर्ड 57 मार्क्स, कॉन्ग्रेट्स। अब मेरी कुट्टी बेहिचक फिजिकल टेस्ट के लिए तैयारी कर सकती है। ऑल द बेस्ट। आज हम सब के लिए गर्व महसूस करने का दिन है। स्टेट पुलिस फोर्स में एसआई सिलेक्शन में किसी शख्स का हिस्सा लेना कोई मामूली बात नहीं होती है। इतने सालों से हम जिसे ट्रांसजेंडर के नाम से जान रहे थे, वो मैरी कुट्टी ही एसआई के लिए सेलेक्ट हुई है। इसकी उम्मीद हमारे स्टेट के लोगों ने वैसे की नहीं थी। सारी तकलीफों को बर्दाश्त करके, दिल से मेहनत करके हम कुछ भी करके दिखा सकते हैं, ये मैरी कुट्टी ने साबित करके दिखाया है। हमें उस पर गर्व है। अगर वो पुलिस बन सकती है तो तुम्हें डूब के मर जाना चाहिए। काम करना। बकवास करता है। फिजिकल टेस्ट के बाद मैरी कुट्टी को पुलिस फोर्स में काम मिलेगा। इसके लिए हम एसआई सिलेक्शन के लिए कई सारे स्टेज हैं। फादर की बातों से लग रहा है जैसे मैरी कुट्टी कल ही एसआई बन जाएगी। वैसे अचीवमेंट अच्छा है ना? अगर तुम्हारी बहन मर्द बन जाएगी तो ये भी अचीवमेंट होगा ना? ध्यान से गाड़ी चलाओ। ईश्वर के आशीर्वाद से और सभी लोगों के आशीर्वाद से मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो सफल रहे। आमीन। इतनी बार उसकी आवाज सुनने के बाद भी मैं उसे पहचान नहीं पाया। हमेशा मैंने उससे नफरत ही की, कभी उससे प्यार से बात नहीं की। अपने बेटे को अगर हमने थोड़ा भी समझा होता तो जिंदगी में उसे इतने धक्के नहीं खाने पड़ते। मैं सही कह रहा हूँ? जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ। क्या वो फिर से घर वापस आएगा? नहीं, वो नहीं आएगा। उसने मुझसे कहा है। तुम्हारी विल पावर को सच में मैं मान गई। तुम्हारी जगह मैं होती तो कब का हार मान गई होती। एंड दैट कॉल्स फॉर अ सेलिब्रेशन। हमें सेलिब्रेशन के लिए कुछ और स्टेजेस पार करने होंगे। वैसे तन्नू चेन्नई से वापस कब आएगी? चेन्नई से तो वो अब सीधे वेकेशन में आने वाली है। तब तक तुम मेरे घर पर आकर रहो ना। नहीं, मुझे भी बहुत सारे काम है। जैसे और किसी को कोई काम ही नहीं है। ये बियर की बोतल छुपा कर रखो, सामने पुलिस चेकिंग हो रही है।
ड्राइव तो तुम कर रही हो ना, तो फिर क्यों? रुको रुको, गाड़ी साइड में लो। मानना पड़ेगा तुम दोनों फुल मूड में हो। चलो नीचे उतरो। क्या है जल्दी बताइए। हाँ जाओ, वहां साहब बुला रहे हैं। चेक करो। चलो फूंक मारो। अरे अरे, आप लोगों के साथ फीमेल कांस्टेबल नहीं है क्या? क्या कहा? फीमेल कांस्टेबल। तुम्हें घर से लेकर आना चाहिए फीमेल कांस्टेबल। चेक करो। ए फूको, ऐसे नहीं, ऐसे। हाँ, बढ़ाओ उधर। फूको। लाइसेंस कहाँ है तुम्हारा? ये तो माता कुट्टी का लाइसेंस है, तुम्हारा लाइसेंस कहाँ है? मैंने रीअप्लाई किया है, दिस इज वैलिड राइट नाउ। सुनो सर, गाड़ी चेक करो इसकी। जाओ देखो। इन्फॉर्मेशन मिली है इस गाड़ी से ड्रग की तस्करी हो रही है। व्हाट नॉनसेंस इज दिस? कुछ ज्यादा ही उछल रही हो तुम। इतनी रात को इस तरह दारू पीकर रोड पर क्यों घूम रही हो, और इसके साथ ही समय कहाँ घूम रही हो? ये सब बताने की जरूरत नहीं है मुझे। ऑफेंडिंग अ पुलिस ऑफिसर, 3 महीने के लिए अंदर करवा दूंगा। इसमें कौन सा ऑफेंस है सर? वो भी बताता हूँ। क्या हुआ रे? कार में कुछ नहीं है सर। कार में कुछ नहीं है तो इसकी पूरी बॉडी चेक करनी पड़ेगी। फीमेल कांस्टेबल तो सुबह आएगी सर। फीमेल कांस्टेबल नहीं है तो बाकी की कार्रवाई पुलिस स्टेशन में करेंगे। क्यों? नजदीक में ही तो आपका घर है ना सर। तुम्हें यहाँ चेक करेंगे तो मामला यहीं खत्म हो जाएगा। क्यों, कोऑपरेट करोगी? नहीं मेरी मत करो। अगर इस तरह हम इसे ले जाकर रात में बंद कर देंगे सर, तो अपने ऊपर काबू नहीं रख पाएंगे। क्या बोलती हो, वहां चलें? नहीं, लेट्स फिनिश ऑफ हियर। ये हुई ना बात, वहां खड़ी हो जाओ। उसे वहां रखो और हाथ ऊपर करो। हाथ ऊपर। ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर पे हाथ उठाती है तेरी तो। इतना काफी है। आईपीसी सेक्शन 198, 279, 294B, 323। ये सब क्या है मैडम तुम जानती हो? अभी जो तुमने किया उससे 2 गुना ज्यादा तुम्हें दिलाऊंगा, इसका वादा करता हूं। बहुत समय बाकी है भाई, अपन दोनों को जीप में डालो। चलो जीप में बैठो। बैठो। थैंक यू सर। ये मेरी कुट्टी का केस क्या है? केस विड्रॉ करने के लिए होम डिपार्टमेंट से एक सबमिशन आया है सर। वो गलत है सर। वैसे एक्चुअली हुआ क्या था सर? वो दारू पीकर गाड़ी चला रही थी, उसको चेक करने वाले ऑफिसर पर उसने हाथ भी उठाया सर। केस रजिस्टर करने के बाद हमने उसे छोड़ दिया सर। इसका मतलब है उसने तुम्हें मारा है? नहीं, ASI अयप्पन कुमार, आई एम द विटनेस टू द इंसिडेंट। साथ में काम करने वाले कर्मचारी को एक औरत मारती रही और तुम चुपचाप खड़े देखते रहे, बड़ी शर्म की बात है। उसे छू नहीं सकते ना, केस बन जाएगा सर। ओके, तो अब तुम्हें इसमें क्या परेशानी है? मेरी कुट्टी SI सिलेक्शन की प्रोसेस में है, इस तरह का केस उस पर असर डालेगा। ये छोटा सा मामला है तो केस विड्रॉ कर दूं? ये आप क्या कह रहे हैं सर? दारू पीकर बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना और एक पुलिस ऑफिसर पर हाथ उठाना, इसे छोटा मामला कह रहे हैं? आप चाहते हैं कि वो डिपार्टमेंट में काम करे?
मुझे तो ऐसा लगता है कि दिस केस इज फैब्रिकेटेड और हालात ऐसे बन गए थे कि उसे हाथ उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा। विटनेस भी यही कहते हैं और ये मेडिकल सर्टिफिकेट भी नकली है। अगर ये साबित हो गया कि तुमने अपनी पोस्ट का गलत फायदा उठाकर उस पर ये केस बनाया है तो ये तुम्हें भारी पड़ सकता है। मैं ये केस विड्रॉ कर रहा हूँ। ये अधिकार आपके पास है सर, पर आप ऐसा करेंगे तो ठीक नहीं होगा। इस केस में पूरा डिपार्टमेंट मेरे साथ है सर। मुझे धमकी दे रहे हो? रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। एक ट्रांसजेंडर अगर डिपार्टमेंट में एसआई बनकर आए तो डिपार्टमेंट का नाम बदनाम हो जाएगा सर। क्यों? देखा जाए तो ऐसा कोई शख्स हमारे डिपार्टमेंट में आएगा तो हमारे लिए गर्व की बात है। और वैसे भी तुम्हारे जैसे नाकाबिल लोगों से भरे हमारे डिपार्टमेंट में उसके आने से फायदा ही होगा। तुम्हें कोई परेशानी है? वैसे भी इस केस को यहीं पर विड्रॉ करना हमारे लिए बेहतर होगा। कोर्ट में यह केस कहीं नहीं टिक पाएगा। इस बारे में मैंने एडवोकेट से बात भी कर ली है। जब फैसला कर ही चुके हैं तो आपकी मर्जी। सिर्फ मेरी मर्जी नहीं, होम डिपार्टमेंट से इस केस की जो रिपोर्ट आई है, आई एम सपोज टू सबमिट द रिपोर्ट, और मैं वही कर रहा हूं जो सही है। कुंजूपाल, मैं तुम्हारे खिलाफ एक इंक्वायरी भी बिठाने जा रहा हूं, याद रखना। थैंक यू सर। मिस्टर कुंजूपाल, मेरी कुट्टी जैसे काबिल लोग जो ठान लेते हैं उसे करके दिखाते हैं। हमें उन्हें मौका जरूर देना चाहिए। प्लीज डोंट ट्राई टू स्टॉप हर। मेरी दीदी, हाँ ये वाला जो, हाँ आपको फादर बुला रहे हैं, कोई लेटर आया हुआ है, आपको आईडी कार्ड लाने के लिए बोले। मैं भी आती। ये लोग जो करोड़ों की चीटिंग करके देश से भाग जाते हैं उन्हें कोई पकड़ने वाला चाहिए। अरे जो सवाल जहाँ करना चाहिए उसे वहाँ करो ना, यहाँ क्या। फादर? देखो यही है मेरी कुट्टी। लेकिन फादर ये तो, अरे ये असली मेरी कुट्टी है, शक मत करो, दे दो। आपका आईडी कार्ड ये लीजिए। ठीक है, मैं चलता हूँ। हाँ इसे खोल कर देखो बेटी, कहीं ये किसी नए केस का मामला तो नहीं है। क्या बात है? मैं पहली बार अपने नाम से एक लेटर रिसीव कर रही हूँ। इसमें चाहे जो भी हो ये मेरे लिए एक अचीवमेंट है। अगले महीने 7 तारीख को फिजिकल टेस्ट है, ये उसका इंटीमेशन लेटर है। ईश्वर तुम्हारा साथ दे रहा है, अब विजय निश्चित है। अरे ये क्या, मैं तो डरी गई थी फादर। कल से तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। थैंक यू सो मच फादर। श्योर। पुलिस यूनिफॉर्म में एक फोटो खींचकर मुझे भेजना मेरे लिए इतना काफी है। वैसे अब मेरी जिंदगी में कोई कमी नहीं है। हम लोगों ने खबर सुनी, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।
कल ही फिजिकल टेस्ट है ना? हाँ। All the best. Thank you. अभी थोड़ा बदलाव होने लगा है बेटी, सही कहा ना? अब आरजे एंजल नाम की जरूरत है क्या? अरे इतना आत्मविश्वास है? वो बात नहीं है, कल फिजिकल टेस्ट के लिए जाते वक्त आरजे एंजल नाम की सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, सच में ऐसा मुझे लगता है फादर। लाइफ मूव्स ऑन। लाइफ मूव्स ऑन। अगर दुबई चली जाएंगी तो फिर वापस नहीं आएंगी क्या एंजल? मुझे नहीं पता जोबिन, लेकिन अगर वापस आ गई तो भी इस तरह नहीं रहेगा। इसका क्या मतलब? वो कहावत नहीं सुनी कि धनुष से निकला बाण कभी वापस नहीं आता? बिकॉज स्थाई कुछ भी नहीं रहता, तो इंसान को भी बदलाव लाना ही पड़ता है। बदलाव? कैसा बदलाव? खैर जो भी हो, जाते समय मोबाइल नंबर दे के जाना, बहुत दिनों से मांग रहा हूँ। दुबई का नंबर मैंने अभी तक लिया नहीं है। ठीक है, कुछ भी कहो एंजल, तुम्हें सुन के मुझे बहुत खुशी होती है। हाँ मुझे भी। थैंक यू सो मच, आई मिस यू। बाय एंजल। पिछले कुछ दिनों में आप लोगों ने जो प्यार मुझे दिया, जो इज्जत दी, जो सुकून दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कहीं न कहीं तो और किसी न किसी मोड़ पर एक दिन हम जरूर मिलेंगे, उसी प्यारी से उम्मीद के साथ। दिस इज आरजे एंजल साइनिंग ऑफ फ्रॉम मिशन FM. सी यू सून ऑल, बाय बाय। कल से तुम्हें इस शो को लेकर धूम मचाना है। तुम्हारा कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है, बिकॉज यू आर द बेस्ट। मेरी आंटी, मेरी आंटी अब सब मिलकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। ओह थैंक यू सो मच डियर। मेरी यू कैन डू इट। थैंक यू। ऑल द बेस्ट मेरी। थैंक यू सो मच स्टीफन। हमेशा रिश्तेदार और समाज के बारे में सोचकर डरता रहा, अपनी इज्जत और अपनी बदनामी के डर से। कभी तुम्हें समझ ही नहीं पाया बेटा, मैं तुम्हें प्यार नहीं करता, ऐसा कभी सोचना भी मत, मुझ में हिम्मत नहीं थी। जो कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले हैं वो जल्द से जल्द ग्राउंड में पहुंच जाएं, कुछ ही देर में कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है। इतने दिनों से तुम अपनी जिंदगी की लड़ाई अकेले लड़ रहे थे, अब मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरी कुट्टी,
भरोसा बनाए रखना। पास होने के लिए आपको 8 स्टेजेस पार करनी होंगी, उनमें से 5 स्टेज भी पार कर ली तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे, और जो 4 में से 1 में भी फेल हो गया तो वो बाहर निकाल दिया जाएगा। हम बस यही कामना करेंगे कि किसी भी स्टेज में आप कहीं फेल ना हो जाए। बेस्ट ऑफ लक। मैं पिछले 4 राउंड में पास हो चुकी हूँ, अब 5वीं स्टेज बाकी है। 100 मीटर 17 सेकंड में पार किए तो फिजिकल टेस्ट में पास। तूने तो कमाल कर दिया। पिताजी मिलने आए थे, थोड़ी देर बाद भी की मुझसे, मुझे मैरी कुट्टी नाम से पुकारा। रियली आज का दिन तेरे लिए बहुत खास है। यू आर अ बॉर्न विनर, गो गेट इट। थैंक यू सो मच। पूरे हो जाएंगे सारे अरमान, मिल जाएगी तुझको तेरी पहचान, इज्जत से देखेगा सारा जहां, जब का विधाता है सबसे महान। हो जाएगी सारी मंजिल आसान, जज्बा है सीने में दिल में तूफान, रह जाएगी सारी दुनिया है रात, जब तू बनाएगी खुद की पहचान। लड़के डट कर देना होगा इम्तिहान। इस इंटरव्यू को क्लियर करने के बाद केरला पुलिस में काम करने वाली पहली ट्रांसजेंडर SI तुम होगी। आर यू रेडी? यस आई एम। अपनी सेक्सुअलिटी को मेरी कुट्टी बहुत ही हिम्मत के साथ सबके सामने लेकर के आई। What made you take this revolutionary step? खुद के बारे में ईमानदारी से बताने वाला और कोई नहीं, हम ही होते हैं। उसके बाद ही दूसरों के साथ ईमानदारी बरत सकते हैं। आज हम में हिम्मत है ये बताने की, यही रेवोल्यूशन है। क्या हुआ, वो सस्पेंशन में है? और नहीं तो क्या? सर ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से आया है, मेरी कुट्टी के लिए पुलिस वेरिफिकेशन ऑर्डर है। सर ऐसा होगा मैंने कभी नहीं सोचा था। रिपोर्ट 1 सप्ताह में सबमिट करनी है। हमारी सारी कोशिशें नाकाम हो गई सर, मानना पड़ेगा इसमें बहुत दम है। डरो मत, काम करो। मॉर्निंग। यहाँ कोई लीगल काम नहीं हो रहा है जो छानबीन करनी पड़े। बैठिए। तुम्हारे SI सिलेक्शन के लिए इंक्वायरी आई हुई है, मैं सर्टिफिकेट दूंगा तभी SI बनोगी। हद में रहोगी तो सही पोस्ट रहेगी, नहीं तो साइबर सेल में पड़ी रहोगी। जो कर रहा हूं ना उसे एहसान मानना, समझ रही हो? नो, इट्स योर ड्यूटी। मेरे खिलाफ रिपोर्ट नहीं कर पाओगे, जानते कारण क्या है?
मेरे खिलाफ कोई केस रजिस्टर्ड नहीं है और शिकायत भी नहीं। यू हैव नो ग्राउंड्स। तुम्हें क्या लगता है कि तुम जीत गई हो? डिपार्टमेंट में आ जाओ एक बार, वो हम मर्दों की दुनिया है, वहां दिखाता हूं। ये मर्दों की दुनिया नहीं है सर, और ना ही औरतों की, काबिल लोगों की दुनिया है। रिस्पेक्ट, ये मेरी इंटीग्रिटी है। अब आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं आपके नीचे नहीं, आपके बराबरी में काम करने वाली हूं। याद है मैंने उस दिन क्या कहा था? अच्छे पुलिस ऑफिसर में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए? टेक माई वर्ड फॉर दैट। मैं मेरी कुट्टी, केरल पुलिस के तौर पर मैं शपथ लेती हूँ हमारे भारत के संविधान के नियमों का पालन करते हुए अपनी पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ केरल पुलिस का हिस्सा बनकर अपने कर्तव्यों का पालन करूंगी। आज देश में पहली बार ट्रांसजेंडर SI मेरी कुट्टी ने शपथ ग्रहण की है। ये पुलिस डिपार्टमेंट के इतिहास में पहली बार हुआ है। समाज में बदलाव लाने के लिए मुझ जैसे कुछ लोग मिसाल के तौर पर डिपार्टमेंट में होने चाहिए, ऐसा मेरी कुट्टी ने बयान दिया है। ऐसा ही कुंजू पाल जिस पुलिस स्टेशन में है उसी पुलिस स्टेशन में मेरी कुट्टी को पोस्टिंग मिली है। Yes. Yes. कांग्रेचुलेशन, तुम्हारी पहली पोस्टिंग ही एक थाना इंचार्ज के रूप में हुई है। तुम बड़ी किस्मत वाली हो। थैंक यू सर। आज पूरे स्टेट को तुम पर गर्व है, तुम एक मिसाल बन गई हो। मेरी कुट्टी, तुम पूछा करती थी ना कि एक अच्छे ट्रांसजेंडर को क्या कहा जाना चाहिए। अगर मर्दों को हीरो कहा जाता है तो तुम लोगों को शीरो। आप में से कितने लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं, लेकिन अफसोस की बात वहां पर कितनों के साथ अच्छा व्यवहार होता है। पुलिस स्टेशन हर किसी के लिए एक बुरे सपने जैसा होता है, लेकिन अब समय बदल रहा है। अब से आपकी सभी समस्याओं को सुना और उन्हें सॉल्व किया जाएगा। हमारी नई सब इंस्पेक्टर सप्ताह में एक घंटा यहाँ हमारे साथ गुजारेंगे। आज से पुलिस स्टेशन आपका घर होने जा रहा है, तो सभी गर्व के साथ स्वागत कीजिए हमारी सब इंस्पेक्टर मैरी कुट्टी का।
गुड मॉर्निंग, मैं हूं मेरी कुट्टी।